ॐ श्री साई नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ श्री साई नाथाय अरे सरस्वती चश्मा कहाँ है मेरा? फोन के पास होगा, वहीं देखिए। अच्छा मेरे पूज्य पिताजी, मैं ये खत आपको लिख रहा हूँ। जब आप ये खत पढ़ेंगे तब आपको मेरे बारे में सब कुछ फिल्म की तरह याद आता जाएगा। सॉरी पिताजी, अगर लौट कर नहीं आया तो भूल जाइएगा। जब तक आप लेटर पढ़ रहे होंगे तब तक मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। गलती मेरी होने के बावजूद आपने माँ को मारा, इससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। आपने जो मुझे सेलफोन वॉच ब्रेसलेट सब कुछ दिया था, मैं यहीं रखकर जा रहा हूँ। वन थिंग, सिर्फ सिम कार्ड ले लिया है क्योंकि उसमें कुछ पर्सनल नंबर है। मैंने गांव छोड़कर जाने का निर्णय लिया है, मगर हाथ में पैसा नहीं है। मैंने बहुत सोचा तो मुझे आइडिया आया। मेरी माँ जो आपके और मेरे रहते हुए गुल्लक में पैसे डालती थी, उसी विश्वास से मैंने उस गुल्लक को तोड़ दिया। पर तब पता चला कि हमारे जाने के बाद वो पैसे निकाल लेती थी। उसके बाद मैं कपाट की चाबी लेने आया। माँ बहुत गहरी नींद में सो रही थी और पिताजी आप भी नींद में फ्लैट थे। दादाजी का जो नाम है वही मेरा है, इसलिए अंगूठी निकाल ली। अरे मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया रे? मैं एक बात पूछूंगा, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछिए सर। गाड़ी 10 मिनट खड़ी थी, आप भी खड़े थे, फिर गाड़ी चलते ही आप दौड़कर रिस्क लेकर क्यों चढ़े, बताइए सर। मैं इस फिल्म का हीरो हूँ, ओपनिंग सीन है इसलिए छोटा सा बिल्डअप है। ओहो, अब मैं एक बात पूछूं, आप बुरा मत मानिएगा। पूछिए सर। 100 लोग उतर रहे थे चढ़ रहे थे, उन सबको छोड़कर आपने मुझसे ही आखिर क्यों पूछा? आप कौन है? मैं ही इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, फर्स्ट फिल्म है इसके लिए छोटा सा बिल्डअप। स्वामी जी, माचिस है? सिगरेट है क्या छोटे? फ्लैशबैक शुरू है ना? हाँ। ए सुमति, सुमति। अरे जो बोला वो समझ लो सुमति। अभी मैं क्या करूं बताओ? थोड़ा प्यार करो ना। ए
मैं कुछ बोल रहा हूँ, सुनो। सुमति, सुमति रुको। तुम क्या बोलने वाले हो? पढ़े लिखी हो, समझदार हो, सुंदर हो, ये सब छोड़ो। बेकार में अपने फ्रेंड को सपोर्ट कर रहे हो, उसके पास क्या है? उसके मन में बहुत प्यार है तुम्हारे लिए। मुझे उसे देखते ही गुस्सा आता है। क्या सुमति तुम ऐसा बोल रही हो? वो 3 सालों से तुमसे प्यार करता है। दूसरी कास्ट का है, हम दूसरी कास्ट के हैं, ये नहीं हो सकता। क्या यार, प्लीज यार। सुमति जी, प्यार करना तो कौवा और चिड़िया भी जानते हैं, लेकिन निभाना तो इंसानों को ही आता है। यार ये तो तेरी आने वाली फिल्म का डायलॉग है ना? मुझे इतना पसंद करने का क्या कारण है? अब देखो, किसी को ना पसंद करने का 1000 कारण बता सकते हैं, लेकिन पसंद करने का 1 कारण भी नहीं बता सकते। यार ये लव टुडे है ना? अरे यार इतने डायलॉग बोल रहा हूँ फिर भी इसके दिमाग में नहीं घुस रहा है। सुमति रुको, 5 साल की उम्र में तुमने जो पढ़ा हो तुम्हें अभी तक याद है। 20 साल से जो एक लड़की से प्यार करता आ रहा है उसे भूलने के लिए बोल दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो वो एक है। ए, चुप रह। देख रहा है तू, अपनी फिल्म का डायलॉग बोल रही है। नहीं होगा माधव, उसे कहो मुझे भूल जाए। मर जाओ बोलोगी तो वो तुरंत मर जाएगा, लेकिन भूल जाओ बोलोगी तो वो क्या करेगा? जरा सोच के देखो। माधव, पता नहीं तुम अपने दोस्त के लिए ये सब क्यों कर रहे हो। वो सब तो ठीक है, पर तुमने फैसला क्या किया है? दूसरा कोई रास्ता है तो फिर? मान जाती हूँ। यस। ए, तेरा मैटर ओके हो गया, आ जा बे। थैंक्स। ए, मैं यहाँ हूँ। सॉरी यार। ए, वो वहाँ है। सुमति। अबे थोड़ा दूर से, मंदिर है। ए, ए, माधव, माधव, सुन यार। रख ले। सुपर। तू भी ले। ऐसी और इतनी बातें करना कहाँ सीखा यार? ऐसा ही तो है अपुन। शादी होगी ना? वो फैसला हम लोग करेंगे। हा? सुमति हमारी बहन है। अभी यहाँ कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग चुपचाप से निकल जाओ। नहीं गए तो? हा? ये हमारे परिवार का मैटर है, तुम बीच में मत पड़ो। हेलो, वो बहन है तुम्हारी, वो तुम्हारे परिवार का मामला है, लेकिन वो प्यार करती है, वो लड़की का मामला है। ध्यान से सुनो, बहुत तकलीफ उठा के, बहुत डायलॉग बोल के, बहुत मस्का मार के, गाना वाना गा के दोनों को मिलवाया है। इनको काट के फेंक दो, उसके बाद हमारी बहन को उठा लाओ। अटैक बॉय, रुको। ये कब हुआ यार? अरे यार, जब तू गाने में स्लोली डांस कर रहा था ना, उसी समय हम लोगों ने ये सब। अब क्या कहते हो बेटा? जो बात हो गई है वो अब उल्टी तक आ गई है। इनको जाने के लिए बोलूंगा तो जाएंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों को 100 रुपया बिरयानी और देकर बुलाया है। तो फिर अब क्या करें? थोड़ा लाइटली फाइट करोगे तो ये लोग भी खुश हो जाएंगे और देखने वाले भी खुश हो जाएंगे, बस इतना ही। अरे टाइम हो गया है, अभी आने को बोलो। जिम बॉयज अटैक। अरे बाल्टी ला दे, तुम मारोगे। दे। पिताजी मार, रुक क्यों गया है? ये कहां से आ गए?
क्यों रे, पढ़ाई खत्म करने के बाद तुझे बाप का नाम बढ़ाना चाहिए। अरे अगर नाम बढ़ा नहीं पा रहा है तो कम से कम खराब तो मत कर। सब पूछते हैं कि आपका लड़का है वो आजकल क्या काम कर रहा है, क्या जवाब दूं उनको मैं? मैं काम देख रहा हूँ। कौन सा काम देख रहा है? वही सोच रहा हूँ कि कौन सा काम करूँ। अरे तुझे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। माँ चावल मटर खिलाया, इडली सांभर खिलाया, लस्सी भी पिलाई, पर पनीर भुर्जी नहीं खिलाई। माँ पनीर भुर्जी क्या सिर्फ पिताजी को खिलाओगी? चुप रहे, हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। ए, तेरी घड़ी कहाँ रे? हाँ? अब ए, बताता क्यों नहीं है? गिर गए पिताजी। अरे गिर गई है, गिरा दिया है? भाई टाइम कितना हुआ? 9:10। 9 या 10 बराबर बोलो भाई। 9:10 का मतलब है 9:10। एक वॉचमैन बिना वॉच के है। ये लो भाई, लो। आप क्या पहनेंगे? मैं ले लूंगा अगली बार अपनी मेहनत से कमा के। कौन तू? मैं तेरे बारे में बचपन से जानता हूँ। पिताजी आप मुझे जानते हैं तो मैं भी आपको जानता हूँ, दोनों एक ही बात है। अरे ये ट्रैक्टर कब बदला? ए, बात को घुमा मत, देख मवाली की तरह रुमाल गले में बांध कर रखा है। डैड बड़े कमाल की बात है, आप जैसे लोग कंधे पर रुमाल रखें तो उन्हें इज्जत मिलती है, और हम जैसे लोग गले में रुमाल डालें तो हमें मवाली कहा जाता है। ए सुन माधव, तुम्हारी माँ ने तुमको बाइक खरीद कर दी थी, कल तक तू उस पे घूम रहा था, अब कहाँ है वो? डैड है ना। अच्छा तो कहाँ है, कैसा है बेटा? अच्छा नमस्ते सर। बंद करो ये सब। मंगल सूत्र बांधने के वक्त ये क्या तुम है? अपना मुंह बंद करो पंडित जी। दामाद जी क्या हुआ, क्या फेरों से पहले बाइक देने के लिए कहा था आपने, बाइक कहाँ पर है? कुछ तो दे दिया है, सिर्फ बाइक नहीं दिया है, वो भी थोड़ा एडजस्टमेंट करो ना दामाद। क्या एडजस्ट करूँ, बाइक तो चाहिए ही ना। सिर्फ बाइक नहीं दिया है, वही नहीं है। यूजलेस इंडियन, मुझे अभी चाहिए बाइक, तभी बनेगी ये मेरी वाइफ और उसके बाद ही हमारी है लाइफ। अरे भाई ये पंचायत करने का टाइम है क्या? पहले मंगलसूत्र पहनाओ। मुझे बाइक कौन देगा? ले ये मेरी बाइक ले ले, साथ में तुझको मैं एक सीढ़ी भी लेकर देता हूँ। सीढ़ी किस लिए? क्योंकि उस सीढ़ी पे चढ़ के अपनी बीवी के बालों में गजरा लगाने के लिए। ये ले। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाचार्य मंगलम पुंडरीकाचार्य मंगलाय तनो हरि। बाइक के चक्कर में लाइफ खराब कर ली। माधव ये करके तू बहुत नाच रहा है। तो आप इस उम्र में नाचेंगे क्या? उस दिन मैंने बैंक से 1,00,000 रुपए लाने को कहा था, कहाँ है वो रुपए? माँ भूख लगी है। ए, अभी तो साथ में खाना खाए थे हम। ये बता रुपए कहाँ है? क्या पिताजी? हे भगवान। और सर भाई कैसी है? सुपर सर। और घर में वाइफ कैसी है? एकदम टॉर्चर सर। टॉर्चर का मतलब? साड़ी कपड़ा जेवरात कुछ मांगती है? छी छी छी, झाड़ू चप्पल और गोबर सर पर गिराती है, बार बार मेरे मुंह पर थूकती है, कुत्ते वाला खाना भी मुझे देती है। इसका मतलब उसने तुझे कुत्ता बना दिया? शादी की धोती छोड़ी ही नहीं भाई, तुरंत मेरे गले में पट्टा डाल दी। चाय पियेंगे क्या? अरे साथ में पीते हैं सर। भाई जरा 3 चाय दो। 3 चाय क्यों, हम लोग तो 2 ही है ना। मैं 2 पीता हूँ सर। हेलो यहाँ। कौन? हेलो यहाँ बोलिए सर। आप लोग यहाँ बारिश में भीग रहे हैं, आप लोगों के पास घर नहीं है क्या? सर राशन कार्ड ग्रीन कार्ड वोट कार्ड ये सब कार्ड है सर, लेकिन घर नहीं है सर। क्यों? ये बिना मांगे सब दे दिया सर, हम लोग घर मांग रहे हैं लेकिन नहीं दे रहे हैं। कितना बड़ा घर चाहिए आप लोगों को? हम लोगों को एक झोपड़ा मिल गया तो बहुत है सर। एक झोपड़े के लिए कितना पैसा लगेगा? यही कोई 10,000। आप लोग टोटल कितने परिवार हैं? 10 परिवार है सर, हमको 2 है सर। देखो आप लोग सब अच्छे से अपना घर बना लो, ठीक है? और जरूरत पड़ेगी तो और दे दूंगा। बाइक लेकर मैं तो फंस गया यार। छी रखे हुए पैसे उठाकर देने में 1 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर इसे कमाओ तो सालों गुजर जाते हैं, कभी सोच कर तो देखो। अब क्या सोच रहा है? सोच कर देख रहा हूँ पिताजी। तो इतना बड़ा हो गया है, किसी दिवाली या होली पर मुझे कभी एक धोती या अपनी माँ को साड़ी लाकर दी है तूने?
ये सब क्यों करता है तू? लोग पूछते हैं तेरा बेटा क्या करता है, तो मुझे जवाब देने में शर्म आती है। ऐसी बात है, कल अपने पड़ोस में रहने वाले गोविंद मामा ने मुझसे पूछा कि बेटा तुम क्या करते हो, तब मुझे तो कोई शर्म नहीं आई। ए! क्यों जी, आप भी ना, हमारा एक ही तो बेटा है, जब देखो उसे कोसते रहते हो। माधव बेटा, माँ ने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। ये क्या है? मैं इससे कुछ बात कर रहा हूँ और तू इसको खिला रही है। छोटे, फ्लैशबैक इंडिया है ना? हाँ। सुनिए, आप क्या करते हैं? पुजारी हूँ मैं। हाँ, बात करते वक्त इधर उधर क्यों देख रहे हैं? हाँ, आई एम विदाउट। कहाँ से आ रहे हैं? रामेश्वरम। परमेश्वरम के पहाड़ से गए थे कि रामेश्वरम के पहाड़ से गए थे? अपमान मत करो। अरे ये तो अपमान नहीं, मान है। सुबह दांत घसने के टूथब्रश से लेकर रात को सोते वक्त कछुआ जलाने तक ये सब मान है। ये बात आप कैसे भूल गए? ये आप नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा? नो कमेंट। शेक हैंड, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। पक्का। चपाती कितने की? 10 रुपया सर। 2 रुपए में दोगे क्या? 2 रुपए का? अपने पेट को हवा से भर लो, उसके भी पैसे बच जाएंगे और बाथरूम में फ्री पानी आ रहा, जाकर पी लो, जाओ। थैंक्स फॉर द एडवाइस बॉस। जवान लड़का है, पेट के लिए मजा करना चाहिए क्या? 10 रुपया देके खा लेना चाहिए। वो मेरे लिए नहीं स्वामी जी। फिर क्यों उससे बहस कर रहा था? आपके लिए। मेरे लिए क्यों? यहाँ पेट भर के खाओगे तभी तो पुलिस स्टेशन जाओगे ना। है? वो किस लिए ना, यहाँ देखो इसलिए। टिकट प्लीज। क्या देख रहे हो भगवान, फोड़ने वाले नारियल में घपला कर रहा हूँ। मामला थोड़ा वीक है। सब लोग अच्छे से रहें, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस दुनिया में कौन अच्छा है कौन बुरा है ये आपको अच्छे से पता है। मैं अच्छा हूँ ये आपको अच्छे से पता है, और मैं अच्छा हूँ ये मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। इंसान के जीवन में दुख ना आए तो वो भगवान को पूजेगा ही नहीं। मुझे बचाने वाली एक लड़की है, ये आपको मालूम है। आप ही मुझे बचाने के लिए चूड़िया पहनकर उस लड़की के रूप में आई। थैंक यू। आई हैव टू डिजायर्स। नंबर वन, आई वॉन्ट टू सी द गर्ल। नंबर टू, आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब। आपको इंग्लिश आती कि नहीं आती ये मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात है, अभी एक सेठ की फैमिली होके गई है, इसका मतलब आपको हिंदी जरूर आती है। इट्स माय लॉजिक। सुपरस्टार रजनीकांत को पूरी इंडिया जानती है, वो आपके दर्शन के लिए यहाँ आके गया, ये बात पूरा तमिलनाडु जानता है। इसी विश्वास पर मैं यहाँ आया। ठीक है, अभी मुझे एक काम चाहिए। इस पूरे शहर में मुझे काम देने वाला कोई ना कोई बेवकूफ तो होगा ही ना। काम पे जाएगा तभी फोड़ेगा, बाहर जाएगा तभी फोड़ेगा, ये भी कोई शौक है? तू कौन है ये?
अपने घर के सामने नया आदमी लगता है। ए मैच, ए भाई, क्यों पेड़ के पास घूम रहे हो, ऊपर नीचे देख रहे हो, क्या बात है? What is the matter? ये क्या है रे, मुझे क्यों देख रहा है? कौन है तू, क्या करने वाला है? फांसी लगाने जा रहा हूँ। फांसी लगाने जा रहा है? क्या रे, दाल भात के कौर जैसा फांसी लगाने की बात करता है? क्या रे, पूरे शहर में दूसरा पेड़ नहीं मिला है, यही पेड़ मिला है फांसी लगाने को? अरे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। डिस्टर्ब कर रहा हूँ? ये पेड़ मेरे घर के सामने है, तू फांसी लगा लिया तो पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी। अरे मेरे जाने के बाद कौन आएगा कौन जाएगा उसे मुझे क्या, देखो मैं अच्छे मूड में हूँ, जाओ यहाँ से। मैं अच्छे मूड में हूँ? ए क्या रे, बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहा है, तू क्या करने जा रहा है? अरे ए क्या कर रहा है, ये क्या है? अरे वाह, अरे वाह, 10 रुपए झुक के उठाऊंगा तो तू भाग जाएगा। इस 10 रुपए को भी छोड़ना नहीं है, इसको भी छोड़ना नहीं है। अरे बाप रे, अरे अरे नहीं नहीं, अरे 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 चढ़ गया, नहीं 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 छोड़ूंगा। अरे मेरे घर के सामने तू फांसी लगाने जा रहा, मैं नहीं ऐसा होने दूंगा। नहीं उतरूंगा मैं। तू उतरने का क्या लेगा? आपकी जेब में जो 10,000 रुपए है वो मुझे दे दो। मेरे जेब से 10,000 रुपए निकाल के दूं? ये मेरे पास इतना पैसा है, तुझे कैसे पता चला रे? आप जब अपनी जेब में रख रहे थे वही देखकर तो मैं आया हूं। अच्छा फंसाया मुझे, उतरेगा तब दूंगा ना। मैं तो इसके प्लान में फंस गया रे। ले ले पकड़ ले, दोगे तब उतरूंगा। अरे मेरा कंधा दर्द कर रहा है, ले ले पकड़ पकड़ पकड़, अब जल्दी से उतर जा तू। अरे मेरा कंधा दर्द करने लगा, ये सब क्यों किया बेईमान कहीं का? बेईमान नहीं हूँ मैं, एक ईमानदार हूँ, यही मैं आपको प्रूफ कर रहा था। ये मेरे साथ क्यों प्रूफ कर रहा है? आपके पास काम करने के लिए। काम करने के लिए? हाँ तो मेरे बारे में तुझे पता कैसे चला? आपका नाम दीपावली है, वर्मा बाजार में एक दुकान के आप मालिक हैं, इसीलिए मैं ये सब जान करके आपके पास काम मांगने आया हूँ। तू मेरे पास काम करेगा? क्या रे, मेरे पास आके काम मांगने का तेरा लक्षण ही समझ गया मैं। तुझे काम पे लगाने के बाद मैं अपनी दुकान तेरे नाम पे कर दूं, ऐसा कह के तू पेड़ पे रस्सी डाल के फांसी लगा के तू मुझे धमकी देगा, इसका क्या मतलब है? ना, 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 ये फर्स्ट एंड लास्ट। ये लड़का मुझे पढ़ा लिखा और समझदार लगता है, काम के लिए घर के सामने फांसी लगाने को तैयार हो गया। अगर इसे काम नहीं दूंगा तो ये फांसी लगा लेगा, इसके दिल में कुछ करने की चाहत लग रही है, इसे काम पे रखना ही पड़ेगा। तेरा अप्रोच मुझे बहुत अच्छा लगा, यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू। चलो ओके। क्या है, मैं भी आपके साथ में चलूं मालिक? ओहो, तुम्हें काम पे ले जाने के लिए मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जाना होगा। आप बैठिए, मैं आपको बिठा के ले जाऊंगा। ऐसा क्या? चल निकाल। ठीक है। स्टॉप, मैं 10,000 निकालने को बोल रहा हूँ। वो क्या है ना मालिक, जा तू निकाल के दे। एडवांस समझ के रख लेता हूँ। फिर तू डिसमिस जा रहे? नहीं नहीं मालिक, एक मिनट, आपसे तो मैं कभी भी ले सकता हूँ। बैठ गाड़ी पे, पहन हेलमेट। अरे फेंक क्यों रहा है, सिर में डालना। अरे तुझे सिर पे पहनने को बोला मैं। ओ तो मालिक आप सीधे बोल सकते हो ना। चल स्टार्ट कर। ए सुन, तुझे गाड़ी चलाने आती है ना? ये पूछते हो आपको गिल्टी फील नहीं हो रही है? क्या गिल्टी? चलिए चुपचाप पीछे बैठिए। बराबर आया ना, उतरो मालिक। अरे मालिक कहाँ गया वो? क्या मालिक, ऑटो जा रहे हो? आप उधर कब गए मालिक? अबे मैं कब चढ़ा जो उतरने की बात कर रहा है? जैसे ही मैं पैर उठाया चढ़ने के लिए कि तो हवा में निकल लिया। मालिक को इसी तरह सम्मान दिया जाता है? वो क्या है ना मालिक, काम मिलने की खुशी में मैं हवा से बातें करने लगा। मालिक मैं आपको मालिक नहीं समझता, अपना सगा बड़ा भाई समझता। थोड़े समय के लिए भाई की तरह देखेगा, उसके बाद मुँह में चूना लगा के नीचे चूला देगा। ये देख, तू मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तू चले जाए यहाँ। हमारी छोटी सी गलती हुई उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से सुन ले। ये मिस किस रहेगा तो भैया 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 नहीं रहेगा। फिर क्या सैया बन जाओगे? ए, 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 उसको पकड़ ले। ये बेवकूफ यहाँ बात कर रहा है, वहाँ नौटंकी कर रहा है, पकड़ ले। तू क्यों हंस रहा है रे? वो बेवकूफ इंसान बोला इसलिए तू हंस रहा है। तो सुन, मेरे लिए जो तू सोच रहा है ना पीछे वो बोर्ड पर, उसके बाद तुझे पता चलेगा मैं कौन हूँ। फिर क्यों हंस रहा है? बोर्ड पे आपका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा है। ये बोर्ड भैया जीत के लिए नहीं लिए हैं, पैसा दे के लिए हैं। अभी वो तेरे से पूछा क्या, जिस बात की जरूरत नहीं है इसको क्यों बोल रहा है? तेरा मुंह फोड़ दूंगा मैं। ठीक है मालिक, छोटू को उन्हें बताए नहीं। क्यों, हम दोनों बात कर रहे थे तो सुना नहीं क्या? हम दोनों वहाँ बात कर रहे थे इसलिए यहाँ की बात नहीं सुनी। दुकान में एक ही काम है, सिर्फ तुम लोग यहाँ बात करते रहते हो, उधार दिया हुआ पैसा आते जाते मिलता विलता नहीं है। एक दिन तुम दोनों को दुकान के अंदर ही गाड़ दूंगा मैं। सब छोड़िए मालिक, सर कौन है? ये सब बताना तुम्हें जरूरी है? बोलिए ना। ठीक है बताता हूँ मैं, इसको मैंने काम पर रख लिया है, लेकिन इसको किसी भी कीमत पर दुकानदारी सीखने मत देना। पहली बात आपको सीखने नहीं दिया तो उसको भी सीखने नहीं दूंगा। हाँ ऐसा बोल मेरे सोना। अरे बोल बोल के।
तेरे तू गुंडा है तो मैं भी तुझसे बड़ा गुंडा हूँ। तेरा खून मेरे हाथों से होगा। आ, 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 ए, क्यों रे भाई के मुंह पे गोबर फेंका? कौन है रे तुम लोग? सब गूंगे बहरे हैं। हेलो हेलो, आप कौन हैं? ये फोन मेरा है। हेलो हेलो, कुछ तो बोलिए। हेलो, ऑन करके बात क्यों नहीं कर रहे हो? माधव, तुझे कैसे पता कि मैं हूँ? माँ, मुझे पता था तू फोन करेगा। हमेशा तेरे बारे में सोचती रहती हूँ। कहाँ है तू? माँ, मैं चेन्नई में हूँ। जहाँ भी है जल्दी से घर आ जा। आऊंगा माँ। हम लोगों से अब भी गुस्सा है क्या तू? ऐसा कुछ नहीं है माँ। सुनिए जी, माधव का फोन है। आ, आ रहा हूं। तू जब से गया है ना, तब से तेरे पिताजी ना ठीक से खाते ना ठीक से सोते हैं। तो जल्दी से लौट कर आ जा बेटा। आऊंगा माँ। पिताजी ने जैसा बोला था, पिताजी के लिए धोती, तुम्हारे लिए साड़ी लेकर इसी मकर संक्रांति को आऊंगा माँ। कहाँ है, क्या बोल रहे हो, वो बताओ। माँ, मुझे एक दिन की 100 रुपए पगार मिलती है। माँ सुन रहे हो, एक दिन का 100 रुपए पगार है उसको। हिसाब करके देखो ना, महीने का 3000 हो जाता है। माँ बेटा, तू अपना ठीक से ध्यान रखना। मेरी आप बिल्कुल चिंता मत करो माँ, आप लोग अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तेरे पिताजी को देती हूँ। माँ मैं बाद में फोन करता हूँ, मालिक बुला रहे हैं। क्या हुआ जी? फोन कट कर दिया उसने। भाई मोबाइल पकड़ो। दो भाई। मेरा फोन। देखने में तो बहुत बड़े मॉडर्न हो और बहुत बड़े पॉकेट मार। हेलो 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 मैम, हेलो, कैसी हो? याद नहीं आ रहा है? मैं हूँ, पानी की गाड़ी, एक्सीडेंट, एक मिनट भी आप अगर लेट होती तो गया था। आपने मेरी जान बचाई, इसीलिए आपको थैंक्स बोलने आया हूँ मैं। क्या बात है, कुछ बोल नहीं रही हैं आप? ए, हेलो, आता हूँ, क्यों, क्या गाड़ी को धक्का लगाना है? किस, क्या बात है? मैं बात कर रहा हूँ, आपने मार दिया तो क्या, मार के फिर बात कर रहे हैं? क्यों सर, मार क्यों रहे हो? ए, क्या बकवास कर रहा है? लड़ाएगा? आज के बाद उस लड़की की तरफ नजर उठाकर देखा भी ना। तू रहेगा, तेरे बदन में जान नहीं रहेगी। अरे लड़के लोग, धंधा कैसा चल रहा है? बगैर बिके चल रहा है। बगैर बिके चल रहा है? क्या बकवास कर रहा है तू, बकवास बंद कर। वही तो चल रही है। देख, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, अपने दुकान पर एक नया काम करने वाला आया था, वो कहाँ है? वो नहीं आया। कहाँ गया? वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। अरे कुछ तो बोल के गया होगा। कुछ नहीं बोला। क्या ऐसा तुम लोग फालतू बात कर रहे हो? मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं बेवकूफ हूँ क्या? तुम लोगों को समझ में नहीं आता है? रुको, पहले माना, इस दुकान का मालिक कौन है? तू मालिक हो या वो मालिक है? तू आ रहा है, कितना माल बिक गया है ये तू पूछ रहा है, वो आ रहा है कितना माल बिक गया है वो पूछ रहा है। दोनों एक एक करके आओगे तो हम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? तुम दोनों में से कौन मालिक है पहले कन्फर्म करो। तब तक ये दुकान मेरी है, कोई भी आएगा तो काटूंगा काटूंगा। अरे तेरी तो क्या करेगा, क्या करेगा, किसको करेगा? अरे अरे, छोड़ो मालिक, छोड़ो मालिक,
क्या कर रहे हो ये? ए, तेरी वजह से यहाँ मजमज हो रही है। हाँ, तू कहाँ गया था अभी? मैं तो यहीं था। सुबह से गायब है, लोग बोल रहे हैं और तू कह रहा है कि यहीं हूँ। दोनों की नजर कमजोर हो गई, देखो। आँख की नजर कमजोर हो गई है? दोनों आँखें पढ़ने में ठीक है लेकिन फैसला गलत लेती है। मुँह में क्या है? दांत है। वो तो मुँह के अंदर है, बाहर खून कैसा है? आते हुए रास्ते में टमाटर खाता हुआ आया मालिक। ये देख, तू कुछ गड़बड़ किया है। कोई गड़बड़ नहीं हुई मालिक। कौन है रे? क्या सेठ जी ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, तुझे ही पूछा कौन है तू? आपके दुकान के बगल में तीसरी दुकान है ना? हाँ। तीसरी दुकान के बगल में चौथी दुकान है ना? चौथी दुकान के बगल में पांचवी दुकान है ना? वो हमारी दुकान है। ये पांचवी दुकान तेरी है, बोलना चाहिए ना भाई। क्यों इतना घुमा रहा है? पड़ता है तो पूरा डिटेल में बोलना पड़ता है। क्या प्रॉब्लम है? अपने मार्केट के बाजू में मेन रोड है ना। तेरे माँ बाप ने लेकर दिया है, बोल रहा है गवर्नमेंट की रोड है वो। तुम्हारे मन मुताबिक गवर्नमेंट रोड ही रहने दो। उस रोड को क्रॉस करने के लिए एक बुड्ढी आवाज दे रही थी, उसी रोड को क्रॉस करने गया मेरा साला और उसने उसका कान पकड़ के उसको रोड क्रॉस करा दी। कान पकड़ के? अबे रोड क्रॉस करने के लिए हाथ पकड़ना, ये कान क्यों पकड़ रहा है? उसके दिल में क्या है पता नहीं, पुलिस ने उसको पुलिस चौकी में बैठा रखा है। क्या बोल रहे है तू? इसके लिए पुलिस ले गई है? अपनी पावर जरा चल के दिखाओ। अच्छा, पुलिस स्टेशन कहाँ है? वहाँ ले जाने के लिए हम लोग है ना मालिक। हाँ बोल। यहाँ दाल में कुछ काला लग रहा है। देख, दाल काली हो पीली हो कौन सी भी हो चलेगा मुझे, तू जाके पहले काम देख। चलिए ठीक है, ओके, आप जाइए जाइए। चलो रे, जिस दिन से उस्ताद हुआ उस दिन से पीछे पड़ गए हो तुम। देख क्या रहा है, दोबारा ऐसा किया तो मारी डालूंगा। कहाँ है वो लड़का, कहाँ है बता? भाई साहब, वो जो बिना कपड़े के कोने बैठा ना, वही मेरा साला है। यही हो? हाँ। क्या रे कुत्ते कमीने, पुलिस तेरा हाथ पकड़ के ले जा रही थी तो फट से हाथ छुड़ा के दौड़ते हुए भाई के पास आना चाहिए था ना। अगर आया होता तो पुलिस को वही बुलाकर बात कर लेता ना। वो छोड़ के तू यहाँ चला आया? अरे तूने ऐसा क्यों किया? तेरी वजह से मुझे सिर झुका के चलना पड़ रहा है। उठ रे, चला इधर, रुक जरा। क्या है सब, ये कैसा डिपार्टमेंट है? कुछ भी करते हो, एक आदमी को अरेस्ट करके लाते हो, उसके बारे में हम जैसे अच्छे आदमी से पूछना चाहिए ना। कहाँ है तुम्हारा इंस्पेक्टर, बुलाओ उनको। अबे तू क्यों हाथी जैसा चिल्ला रहा है? अबे वो भाग रहा है। अरे भाग गया, अरे भाग गया जी वो तो। अरे भाग गया, भाग गया, रुक जा रे। क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन है ये आदमी? ये कौन है पता नहीं साहब, सीधा आया और जो यहाँ था उसको भी भगा दिया। अरे घबराइए मत, वो अपना ही आदमी है, अभी आ जाएगा। क्यों रे, उसको पकड़ने के लिए हम पुलिस वाले 4 साल तक दिन रात जंगल जंगल घूमते रहे और तूने साले आ करके उसे भगा दिया है और अब बात करता है तू? ऐसा कौन सा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? रोड क्रॉस करने के लिए रोड के साइड में बुड्ढी खड़ी थी, उस बुड्ढी का हाथ वीक होगा इसके लिए उसका कान पकड़ के क्रॉस किया। ऐसे अच्छा काम करने वाले आदमी को आपने मारकर अंदर बिठा दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कान पकड़ के ले जाना है क्या गुनाह है? किस कानून किताब में लिखा है? कौन सा गुनाह? कान में पहनने वाले झुमके के साथ साथ कान भी काट कर लेकर चला गया वो। कान के साथ काट दिया? वो मिले या नहीं मिले, लेकिन बुढ़िया के कान मिलने तक तेरी इतनी कुटाई करूंगा कि ये आवाज बदलेगा तो हम तुझे छोड़ देंगे। क्या है सर? मैंने नहीं बोला सर। फिर किसने बोला? मुझे नहीं पता। मैं हूं मालिक। अरे तू यहाँ क्यों आया? आपने मेरी बात नहीं मानी और यहाँ पर आ गए, मेरा अपमान करा दिया। तेरा क्या अपमान हुआ सर? मेरा मालिक कौन है पता है? वर्मा बाजार के सरदार है। ये वर्मा बाजार का सरदार है ना, कोई वर्मा जी थोड़े ही है, वर्मा बाजार। ए, इसके बाद फिर हाथ लगाए ना तो बहुत बुरा होगा। इसके बाद मैं नहीं आऊंगा, कोई दूसरा ही आएगा। कौन आएगा रे? वो मैं नहीं बोलूंगा, मेरे मालिक बोलेंगे। क्या बोल रहा है? कौन है रे वो? चुप रहो मालिक, भेजता हूँ उसको मैं। कौन तो? अरे भेजता हूँ उसको। तो वही कौन? अरे अरे सुन, ए, ए, क्या बोल रहा है? कौन आएगा रे? कौन आएगा मुझे पता नहीं। वो बोल के जा रहा है, तू बता रहा है? बोला रे मुझे पता नहीं। सुन ले तो, अभी मुझे बुढ़िया की कान की जरूरत नहीं। कौन आ रहा है जब तक तू नहीं बताएगा तेरी कुटाई करूंगा। हेलो, मुझे बचाने वाली, पानी वाली। हेलो 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 मैडम, हेलो 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 हेलो, ये आपने क्या कर दिया? मैं आपको थैंक्स बोलने आया और आपने मुझे पिटवा दिया। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके पास आता ही नहीं। रात भर दर्द के मारे मेरा बदन टूटता रहा। हेलो इधर देखिए, क्या हुआ? सुनिए सुनिए तो, अरे सुनिए,
मुझे आदमियों से पिटवाया, जब तक आप सॉरी नहीं बोलेंगी मैं नहीं जाऊंगा। हेलो, मैं ही खाली बोले जा रहा हूँ, आप चुपचाप चली जा रही है। अरे जाके अपने कान में तेल डाल के आओ यार। अरे क्या है यार ये, अरे ये कहीं गलत ना समझ ले। अरे अरे पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो, इंसान को माफ करने का मन होना चाहिए, जो कि मेरे पास है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मन तुम्हारे पास नहीं है, आगे तुम्हारी इच्छा। अरे अरे पहले जान बचाती है फिर बात नहीं करती है, भगवान इन लड़कियों को अकल दो। अरे यार ये फिर आ गए, अरे यार सूंघ के पहुंच जाते हैं क्या। एक बार में समझ में नहीं आया, मुझे इस शहर में नया समझ के तुम लोगों ने मारा और मैंने मार खा ली, लेकिन तुम लोग मारते रहोगे और मैं क्या मार खाता रहूंगा। सुन ले, एक ही पंच में तेरे नाक से खून आएगा, जा यहाँ से। कहाँ आ रे? आए कार्तिक। खून निकाला? खून तो आएगा, एटीएम मशीन तो नहीं है जो पैसे आएंगे। वनराज के ऊपर हाथ उठाता है। तो ठीक है पैर लगा देता हूँ। क्यों रे, हाथ लगाओ पैर लगाओ करके मुझे भड़का रहे हो तुम लोग। बाद अगर दोबारा मेरे साथ ऐसा किया तो तुम लोगों का शरीर रहेगा पर शरीर में जान नहीं। हाथ उठाओगे तो हाथ काट दूंगा, लात घुमाओगे तो चीर के रख दूंगा। दस आदमी को अकेला पीट कर चला गया, वो हम लोगों जैसा नहीं है। इतनी मार खा के भी उसकी तारीफ कर रहा है। भाई को बोल के उठवा देते हैं साले। भाई को पता चलेगा तो अपने को मार देगा। मार लगा पूछेंगे तो क्या कहेंगे? एक्सीडेंट हो गया बोल देना। गाड़ी तो अच्छी है। वीर मणि।
शहर है ये है? क्या शहर है ये? एक लड़की ने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, उसको थैंक्स बोलने गया, अपने आदमियों से पिटवा दिया है? अपन भी ऐसे हैं, सालों को धो डाला। और एक दूसरा है, तेरे मालिक का नाम क्या है? दीपावली। दीपावली वो बहुत बड़ा चालू है, 100 रुपए दे के 2000 का काम करवाता है। दिखाता हूँ मैं उसको, दिखाता हूँ। मान को जाने दे, रमान को जाने दे, फ्रेंड्स को भी जाने दे, लेकिन तू मत जा, तू मत जाना, मैं तेरे बिन नहीं जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा। यहाँ आओ, आराम से खाओ, चिल्लम चिल्ली करे बगैर। मैं कौन हूँ पता है? शिवमणि का आदमी। क्या भाई, तू ऐसे ही अपने आप को शिवमणि का आदमी बोल दिया? ए, मैं शिवमणि का आदमी नहीं हूँ, मैंने एक आदमी का हाथ काटते हुए देखा था, वो याद आ गया इसलिए बोल दिया। और क्या? चलो रे उठो। अरे इस 2.5 फुट को भी उठा लो यार। सॉरी सॉरी भाई सॉरी। फीलिंग तो बहुत अच्छी आ रही है, फिगर इतनी डल क्यों है? अंदर झांक के देखते हैं। ओ, लॉक करके रखा है, देखते हैं। हेलो हेलो, कहाँ भागी जा रही हैं? हेलो, आपसे बात कर सकता हूँ कि नहीं? ये मुझे पता नहीं है, कल जो आपने अपने आदमी भेजे थे उन्होंने मेरे हाथ से बहुत मार खाई है। चलो। ये कहाँ ले जा रही हो? ऐसे हाथ पकड़कर अकेले में लाकर अब बात नहीं करोगी क्या? इसका क्या मतलब है, कुछ तो बोलो। मेरी बात सुनो, मेरा पीछा करना बंद कर दो। अरे बाप रे, बोलने को कहा तो गाना गाने लगी। भगवान ने इतनी अच्छी आवाज दी और तुम ना बोलकर उस भगवान का अपमान कर रही हो। कौन हो मैं नहीं जानती, तुमसे मैं बात क्यों करूं? मेरा नाम माधव है, गांव रामपुर, घर का एक ही लड़का हूं, एक ही माँ बाप है मेरे। मेरे पीछे आओगे ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। आपकी क्या प्रॉब्लम है, एक दोस्त के नाते बता तो सकती हैं। अगर आपको मुझ पे भरोसा हो तो बताइए। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। आप बताएंगे नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। Excuse me, तुम्हारी जान बचाई बस इतना ही, उसकी वजह से मेरा सेल फोन पता नहीं कहाँ घूम गया, मेरे फोटो थे उसमें, पता नहीं मेरा फोन किसने ले लिया, स्विच ऑफ आ रहा है, चोर कहीं का। वो सब छोड़िए, अभी आपकी क्या प्रॉब्लम है ये बताइए। कम ऑन टेल मी, कम ऑन टेल मी, बोलो ना, बताइए ना बताइए। लगता है आप बताना चाहती हो। पहले जरा इस हीरो का चेहरा तो देख लें। पुलिस है या पॉलिटिशियंस है?
सच है, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। आप कुछ बोलिए ना सर। कुछ तो बोलिए, मैं इतना कुछ बोल रही हूँ, आप कौन है बताइए ना प्लीज। रायपुर का शिवमणि पता है? सुना है पर देखा नहीं है। वो मैं ही हूँ। तुम्हें जहाँ जाना था वो जगह आ गई है। एक्सक्यूज मी, तुम किसी से लव तो नहीं करती? नहीं। अब करना भी मत, ओके? कौन है आप? कौन चाहिए आपको? मधु। अरे इस तरह आप लोग अंदर क्यों घुसते जा रहे हैं? कौन है ये लोग? मेरी नींद उड़ा के तुम आराम से सो रही हो? क्या क्या मजाक कर रहे हो? लिफ्ट दे, थैंक्स बोल दिया, बस इतना ही। मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? तुम ही देख लो। मेरे मम्मी डैडी को कुछ मत करना प्लीज। ये तुम्हारे जवाब पे निर्भर है, कब शादी करोगी? मुझे कोई आइडिया नहीं है, दया करके मुझे छोड़ दीजिए। मुझे बहुत अचीव करना है, बहुत पढ़ना है। हाँ पढ़ो, अच्छा पढ़ो। क्यों रे? हाँ भाई, भाभी को पढ़ने दो भाई। हाँ, पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम्हारी मेरी शादी है। इन लोगों को छोड़ने के बाद पुलिस के पास गई, पॉलिटिशियन के पास गई, तुम जा सकती हो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। समझ गई? समझ गई? मधु, पर्स ब्रेकअप होने से पहले ही दूसरा बॉयफ्रेंड बदल लिया क्या? क्या बोल रही है तू? फिर क्या, कब शादी करेंगे, कब शादी करेंगे, ऐसा करके टॉर्चर कर रहा है क्या वो तुझे? एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। कहिए। मेरा नाम सुरेश कुमार है, आंध्रा का रहने वाला हूँ। यहाँ चेन्नई में मैं इंफोसिस प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे गुलाब का फूल देने या फिर उसे मोबाइल से एसएमएस करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप ओके कहेंगी तो मैं अपने पेरेंट्स से बोलूँगा कि वो आपके पेरेंट्स से बात कर लें। आप पसंद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपकी अप्रोच करने का तरीका पसंद आया। थैंक्स। मेरी स्टडीज खत्म होने के बाद अगर मेरा मैरिज करने का प्लान हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। क्या मधु? हाँ सर, मैडम से क्या बात कर रहे थे? नहीं नहीं कुछ नहीं जी, मैं इनको प्रपोज। अच्छा जी, मैं इनको प्रपोज कर रहा हूँ। ओह अच्छा, वेरी गुड। तुमने अब जो भी शब्द कहे वो तुम्हारी जिंदगी के आखिरी शब्द हैं। ए सर 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 प्लीज छोड़ दीजिए सर सर सर। देखा ना, मेरे सिवा दूसरा कोई भी आदमी तुझसे बात करेगा तो यही होगा। 10 मिनट के ऊपर तेरा बाप भी तुझसे बात करेगा तो। टाइम कितना हुआ? टाइम कितना हुआ? 9:30 जाओ जाओ जाओ, कॉलेज जाओ 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 जाओ। मधु एक सेकेंड। ए आरएन स्टोर से नई लेकर आ रहा हूँ। अच्छा कलर है, इसीलिए लेके आया हूँ। दुकान वाला बोला ये साड़ी बहुत अच्छी है। मैं बोला पहनने वाली,
लड़की बहुत अच्छी है, पहन लेना, पहनना ही, ओके? जाओ, संभल के जाओ। हाँ बोल भाई बोल, क्या एसएल बढ़ जाएंगे? हाँ हाँ जाएंगे जाएंगे। Excuse me? ए, थोड़ा तो रुक, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अच्छा बाद में फोन करता हूँ। ये मेरी गाड़ी है, उतरिए। ओहो तुम्हारी गाड़ी है, मैंने कितने ही मॉडल देखे हैं, लेकिन ये मॉडल सुपर्ब है। हटो यहाँ से, मुझे जाना है। साथ में चलते हैं, स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टेयरिंग भी बहुत अच्छा है। मिस्टर, शराफत से उतर जाओगे तो अच्छा होगा। यहाँ तुम बैठती हो ना, इसलिए उतरने का दिल ही नहीं कर रहा था। इडियट। मस्त गाड़ी है लेकिन चांस ही नहीं है। भाभी, भाभी भाई ने आपको बुलाया है। भाई, भाभी। हे मधु, आओ आओ, हाउ आर यू? आज सुबह कॉलेज में तुमसे कोई लड़का कुछ बहस किया था? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ए, लड़के लोगों ने सब बता दिया। आओ, पर... आओ, इसी घर में तुम रहने वाली हो, अंदर आओ। कैसा है, है? कम इसको देखो, यही है तो। सो यही था ना वो? याद नहीं आ, समझ नहीं आ रहा। आ मॉडल सुपर्ब है ना? अभी ठीक है ना मधु? आप इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी ऐसा काम क्यों करते हैं? हे hey, कौन मैं? ये सॉरी, प्लीज, एक्सक्यूज मी, हाउ आर यू? ये सब सुन के तुम मुझे पढ़ा लिखा समझ रही हो? ये पैसे वाले लड़कों को बांध के मारते टाइम सॉरी भाई, प्लीज भाई ऐसा चिल्लाते हैं, ऐसा सुन के इंग्लिश सीख गया। लेकिन ये रायपुर शिवमणि पक्का लोकल है, समझ गई? रवि, भाभी को घर पे छोड़कर आ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। वनराज, मधु, संभल के जाना, संभल के जाना। अंदर से खुश हुई होगी, बाहर थोड़ा शर्मा रही है ना? हाँ भाई। हाँ रे, ओके। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ, अब तो समझ गए ना, मेरा पीछा मत करना। माधव, माधव, माधव। हाँ सही है, अच्छा आइडिया है तुम्हारी स्टोरी का, देखने में बहुत ब्यूटीफुल हो। 10 दिन साथ में घूमेंगे ऐसी आज थी, इस कड़ी धूप में बुलाकर कहानी सुना रही हो, जीप काटी, गरम स्त्री लगा दी, इससे अच्छा तो ये पानी ठीक है रे। मैं सोचा तुम सीधी सादी भोली भाली लड़की हो, पर मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम सीधी सादी नहीं, तुम चुड़ैल हो। मेरे गांव में एक कहावत बोलते हैं, डिफिकल्ट डिफिकल्ट टेम्पल गोइंग, टेम्पल इनसाइड टू डिफिकल्ट, डांसिंग सिंगिंग सिंगिंग विदाउट ड्रेस। क्या समझ में नहीं आया? वही तो, अपनी अपनी जात के साथ मंदिर जाएंगे, वहाँ दो जाति ऐसी है जो नाचती गाती है। मैं अपने माँ बाप से झगड़ा करके गलत शहर में आ गया हूँ, इस बात का मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, और तुम जैसे सिनेमा में इंटरवल में एड आता है उस तरह बीच में टपक गई हो। अच्छा फिर मिलेंगे। अरे सॉरी, अब कभी नहीं मिलेंगे, जा रहा हूँ। चल रहे, चलो खींचो भैया, ये सब लड़कियाँ एक जैसी होती है। हेलो, देख के नहीं चला सकते? आया हूँ देखने के लिए ही ना। आई लव यू। अपने आप को देख, शिवाजी समझता है खुद को? प्यार को सम्मान विजयी होने के जैसा है। ए, खुद को आईने में देखने का बहुत शौक है तुझे। प्यार में पर्सनालिटी नहीं देखी जाती जाने वन, सिर्फ दिल देखा जाता है। सर, मुझे अबे तबे बोलने की आदत नहीं है। अरे जाने मन, अबे तबे मत बोलो, तू तो बिल्कुल पागल है। ए, इधर आ। क्यों भैया, हिंदी में जितनी गालियाँ बनी है वो सारी गालियाँ तुम्हें निचार करके चली गई और तुम चुपचाप सुनते रहे। छोटे, जब किसी से प्यार करना शुरू करते हैं तो ये गालियाँ सहन करनी ही पड़ती हैं। अरे ये तो मंदिर के पुजारी की तरह बातें कर रहा है। Excuse me? हाँ? आपकी बेटी अंदर है क्या? कौन हो तुम? मैं उनके प्रोफेसर का लड़का हूँ।
वो अंदर है, चले जाओ। ओके जी। कौन है ये लड़का? ये मधु के प्रोफेसर का लड़का है। अच्छा अच्छा, अंदर जाओ बेटा। मधु अंदर ही है ना? हाँ वो है अंदर। अच्छा ठीक है। पास भी नहीं आओगे ऐसा बोला था, फिर क्यों आए तुम? मैंने बहुत सोचा तब पाया शिवमणि आपको बहुत टॉर्चर कर रहा है, उससे आपको रिलीफ कराना है क्योंकि आपने मेरी जान जो बचाई है। उसके लिए? उसके लिए आपकी मैं हेल्प करूं मैंने ऐसा सोचा। ये सब तुमसे कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, ये नहीं हो पाएगा, ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ये सब माधव की लिस्ट में ही नहीं है, पॉजिटिव सोच के देखिए, सब अच्छा ही होगा। अभी क्या बोलना है तुम्हें? अभी सीधे शिवमणि के घर जाइए और उससे जाकर कहिए कि बाजार में एक माधव नाम का लड़का है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, फिर देखिए क्या होता है। हाँ। Are you mad? मेरे से एक आदमी ने एड्रेस पूछा तो उसका हाथ काट दिया। मुझसे लव करते हो ऐसा कहोगे तो तुम्हें मार डालेगा। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाके बोल तो दो। बकवास लग रही मेरी बात? विश्वास न हो तो हम सीधे सीधे मुर्गी भी नहीं पकड़ सकते, विश्वास रहे तो हम चांद पर भी पहुँच सकते हैं। वाह माधव, आग लग रही बहुत। भाई भाभी आई हुई है। मधु आओ। बोला होता तो मैं आ गया होता, कभी ना कभी तुम मुझे समझोगी, मुझे ये पता था। बोलो कब कर रहे हैं हम लोग शादी? नहीं, वर्मा बाजार में। हाँ वर्मा बाजार में? बोलो वर्मा बाजार में क्या, बोलो क्या लेना है? पूरा वर्मा बाजार ही खरीद लेंगे। ऐसा अब कुछ नहीं है। हा? वर्मा बाजार में माधव नाम का एक लड़का है। हा? उससे मैं लव करती हूँ। आप मुझे 3 साल से लव कर रहे हो लेकिन मुझे अब से प्यार नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। उसे देखते ही वो मुझे पसंद आ गया। मुझे भूल जाइए प्लीज, अब मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। मैंने तभी बोला था, अब समझ में आया ना भाई? कौन है रही है माधव? ये सेंट की बॉटल कैसे गई? वो खराब हो गया, चल जा। क्या रे, ऐसा धंधा करोगे तुम लोग? ऐसा धंधा करेगा तो बेच देगा तुम मुझे। 2000 रुपए वो गल्ले में मैंने ही रखा था। वही तो है, आने जाने वाला कोई कुछ नहीं है। बीच में खड़ा रहता है। नमस्ते मालिक। लेट आके नमस्ते बोलता है और खड़ा होकर स्टाइल मार रहा है तू? नजदीक आइए, बताता हूं। क्या बात है? जरा 2000 रुपए दीजिए। ए, क्या रहा, दुकान के पार्टनर जैसा मांग रहा है तू? कह रहा हूं वैसा ही कीजिए, तभी आप फायदे में रहेंगे। 2000 रुपए दीजिए और 2 घंटे के बाद 10000 रुपए ले लीजिएगा। कैसे? ये सब अंदर की बात है, मैं बाहर नहीं बोल सकता। ठीक है, तू जो बोल रहा है कैसे विश्वास करूं? मैं आपको विश्वास दिलाऊं? बॉस थोड़ा लेट हो, इसको लांग दिया, आगे आपकी इच्छा। विश्वास करो मालिक। ए इधर आ तो। देख उस लड़के को तुमने लांगा, उसके लिए नहीं विश्वास करता हूँ, लेकिन तू जो बोल रहा है मैं उसी पे विश्वास करता हूँ। अगर तेरा व्यवहार ओके रहा तो इस महीने से तेरा पगार 5000 रुपया और तू। ओके मालिक, अपना व्यवहार अपने पास में ही रखिए, अभी मैं जा रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आपको कोई मार के पूछे तो भी नहीं बोलना। हाँ मैं देख लूंगा, मार के पूछेगा तो भी नहीं बोलने का, ये डायलॉग तो कुछ अलग ही बोल के चला गया। ये माधव किस दुकान पर मिलेगा? मुझे नहीं मालूम, वो हरी टी शर्ट वाले से पूछे। मालिक कल धंधा बहुत अच्छा था, आज बहुत कम है धंधा। धंधा कम है, ग्राहक को भगाएगा तो ऐसे ही होगा। यहाँ पर माधव कौन है? बेटा तुमको दूसरी जगह से सामान लेके देता हूँ, चलो मेरे साथ। आप बताइए तो कस्टमर बन के भाग गया। तेरे से पूछ रहा हूँ ना। माधव 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 कहाँ गया हमें नहीं पता है, पता नहीं है। अच्छा तुझे पता नहीं? नहीं बता सकता हूँ मैं, वो मेरे दुकान में काम करने वाले लेबर है, उसके बारे में क्यों बताऊँ मैं? अभी मैं बुलवाता हूँ। कैसे बुलवाओगे, मेरे मुँह से नहीं निकलने वाला है। कैसे नहीं बोलेगा, अभी पता चलता है। अरे देख मेरे ऊपर हाथ मत उठाना, मैं इस बाजार का उस्ताद हूँ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, दुकान मत तोड़ो। अरे तोड़ो मत दुकान, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मार के भी पूछेंगे तो मत बोलना। नहीं बताया तो ये लोग मुझे बहुत मारे, इन लोगों के बीच में मैं कैसे पिस गया हूँ। आइए मैडम, घर वाला क्या कर रहा है? घर बैठकर खाना बना रहे हैं। बनाने दो बनाने दो। कितना कड़क है, हॉस्पिटल की रोटी सब ऐसे ही रहेगी।
क्या ढूंढ रहे हैं मैडम? तुम्हारे मुंह में जो रखा था वो कहाँ चला गया? खा लिया मैडम। खा लिया? अरे तू आदमी है या जानवर है? क्यों मैडम? खाने के लिए क्या वो मिठाई थी? फिर वो नहीं था। अरे वो थर्मामीटर था। इसका मतलब? बुखार देखने का थर्मामीटर था। बुखार देखने का था? इसके लिए बिना टेस्ट के मार्बल कलेक्शन के जैसे था। मैं तो निकल गया मैडम। हम लोगों की जान ले लेते हो। ऐसा नहीं मैडम, मुंह में रखने के पहले आपको बोलना चाहिए था ना कि आप लोग बोलते नहीं हो, जल्दी से कोई दवा दीजिए नहीं तो लॉक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, अभी से भी मत खा लेना। हाँ बड़ा मुँह है। मैं जाऊँ क्या? मैं जाऊँ क्या? जाइए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। तुम्हारी उसकी लाश मुझे यहाँ चाहिए। भाई आप मेरे को एक घंटे का टाइम दो, उसे यहीं लाकर खड़ा कर दूंगा। वो यहां नहीं आया तो तुम लोग भी नहीं रहोगे। सर कौन है रे? आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो माधव मैं ही हूं। रुको, बॉस बोल रहे हैं ना कुछ। शिवमणि सर कहीं पर गलती हो गई है, थोड़ा हट जाओ बॉस। आप जैसा सोच रहे हैं वैसे मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता। वो लड़की मुझसे आकर बोली कि तुम अच्छे हो, आई लव यू आके बोली, तो उसकी यही अदा मुझे बहुत पसंद आई। बात कर रहे हैं ना? फिर सोच के देखा सर, आप 3 साल से उससे प्यार कर रहे हैं तो फिर मैं कैसे? सर आप बिल ग्लेट्स हैं और मैं भिखारी, आप बड़े पेड़ हैं और मैं एक गिरा हुआ पत्ता। इतना ही नहीं सर, आप राजधानी एक्सप्रेस हैं और मैं एक पंचर हुई साइकिल। भाई आप जंगल में पाए जाने वाले एक बड़े डायनासोर हो और मैं दीवार पे चिपकी हुई एक छोटी सी छिपकली। फिर तेरे और मधु के बीच कोई संबंध नहीं है ना? मैं अपनी कुलदेवी काली माँ की कसम खा के कह सकता हूँ, उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए हम लोगों के बीच में मच, मैं गाँव चला जाता हूँ। पक्का है ना कि तू चला जाएगा? हाँ हाँ चला जाऊंगा, नहीं तो आप मुझे टपका देंगे। अब चलता हूँ। बोलो मालिक क्या करना है? वही तो उन लोगों ने कर दिया है, अब क्या करना है? आ चली तेरी बहन चली। ऑडियंस को समझ में आया? ऐसा बोलिए मालिक। शिवमणि का ग्रुप आके कहाँ है करके पूछ रहा था, मैंने नहीं बताया तो लोग मालिक है ये नहीं सोचे और कुत्ते जैसा मार मार के मुझे यहाँ डाल दिए। क्यों रे, शिवमणि से तेरी क्या दुश्मनी है? शिवमणि जिस लड़की से प्यार करता है उसी लड़की से मैं भी करता हूँ। शिवमणि लव करता है उस लड़की को? तुम कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा ये बताओ उस लड़की का नाम क्या है? उसके नाम का अक्षर धू से खत्म होता है। इलाज का अक्षर धू है तो मैं कैसे समझूंगा कि पहला अक्षर क्या है? मधु या क्या रे? मधु तो सिर्फ 2 अक्षर है और तू भूल गया? ऐसे लग रहा है जैसे 50 अक्षर हो। अगर 50 अक्षर होता तो फिर तुझे कैसे याद रहता? क्या आदमी है यार, अपने प्यार को भूल जाता है। ए तू साधारण जगह पे हाथ नहीं रखा है, एक बहुत भयानक ट्रांसफार्मर पे हाथ रखा है। 10,000 वोल्टेज वाले खंबे से तू मुझे भी मारना चाहता है। इसे कैच करो मालिक। मेरी बात सुनिए, लाइफ में कभी डर के नहीं रहना चाहिए, बिंदास होके डर का सामना करना चाहिए। पहले से फेस के ऊपर कर दिया और फेस पे करने के लिए जगह कहाँ है? कहाँ है जगह? ए देख जा यहाँ से। गुस्सा मत होइए मालिक, मैं मधु से सीरियसली प्यार करता हूँ। फिर तू सच में उस लड़की को हेल्प नहीं किया? काहे का इसको उसको, मैं कोई गांव से झोला लटका के आया हुआ दिख रहा हूँ आपको? कोई लड़की आएगी हाथ पकड़ के मुझे ले जाएगी, अपनी कहानी सुनाएगी और मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, और शिवमणि अकेले में ले जाकर मुझे ठोकेगा, इन सब की जरूरत है क्या? बस से बोलने में डर लगता है तो लॉन्ग से आई लव यू बोल के भाग जाने का ना। पहले से ही उस रामपुर का शिवमणि 3 साल से लव के नाम पे उसे टॉर्चर कर रहा है, इसके बाद मैं उसे जाके आई लव यू बोलूं तो वो क्या पागल है जो मुझे हाँ बोलेगी? मालिक एक लड़की को 10 दिन फॉलो करके आई लव यू बोलने का ये पुराना स्टाइल है, वही लड़की से आई लव यू बुलवा कर फिर उसको फॉलो करना ये माधव का स्टाइल है मालिक। और ज्यादा मत पका रे। वो मुझसे प्यार करती है ये बात शिवमणि को उसी ने जाकर बताई है।
फिर तेरा लव वन साइड है। वन साइड हो या टू साइड हो, लेकिन लास्ट में सुसाइड नहीं होना चाहिए। तेरी बात पे विश्वास करके वो लड़की शिवमणि से झूठ बोली को तुझसे लव करती है, लेकिन तू सच में प्यार करता है, ये बात उसको अगर पता चलेगी तो उसपे क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी उसपे? गुजरने दो, टुडे इज पेन टुमारो इज गेन। ए दोनों हाथ से बजाओगे तो आवाज आएगी, आवाज आएगी। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। कौन बोलता है कि एक हाथ से आवाज नहीं आएगी? आएगी अभी देखो। आ रही है ना? एक दुकान लिया था, दुकान को भी बंद करवा दिया। माधव देगा ये तो सुना था, लेकिन ये माधव ले लेगा ये तो कभी नहीं सुना था मैंने। ये अन्याय अपने साथ ही क्यों? सुनो भाई, एक चाय दीजिए। कितनी चाय सर? क्या रे, एक आदमी एक ही पिएगा ना, एक बार में 9 चाय थोड़ी पिएगा, ये सब पूछने की बात है? चाय दे। अपने मालिक की आवाज है। मालिक? तुम लोग यहाँ पर कैसे हो? एक दुकान से छूटे तो दूसरी दुकान पर लगना चाहिए। क्यों, एक एक दुकान क्लीन करके आगे बढ़ते जा रहे हो? ऐसे जाएंगे तो अपने विश्वास का करेक्टर ऊंचा होता जाएगा सर। तुम लोग विश्वास के लायक ही नहीं हो। ये और हम सुकून में हैं, कितने खुशनसीब हैं। देखता हूँ ये दुकान कितने दिन चलेगी। वो सर, इस दुकान के मालिक का माइंड खराब होगा तब सोचेंगे। खराब होने दे, मालिक का माइंड वीक रहेगा तो काम करने वाले का माइंड शार्प रहना चाहिए। जाओ रे बेईमान भिखारी कहीं के। मैं क्या करूं तू ही बता, मैं एक लड़की हूं, ये मेरी गलती है। मुझे एक ने बचाया, वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने माधव को बचाया, वो कहता है वो भी मुझसे लव करता है। इस बीच एक और है मेरे बाप की उम्र का, उसने मुझे प्रपोज किया है। माधव तुझसे प्यार करता है ऐसा कहा गया? हाँ ना, वो अपने मालिक से कह रहा था, तभी मैंने सुना। तभी उसका हाथ पकड़ कर कान खींच कर उससे पूछना चाहिए था ना? नहीं रे, माधव मेरे पीछे आएगा तो शिवमणि को पता तो चलेगा। शिवमणि उसको मारेगा तो माधव भी पलट के उसको मारेगा। दोनों में से एक मरेगा और एक जेल जाएगा। मैं तो सेफ हो जाऊंगी। बहुत शाहनी बनती है। मैं वाइन में चाय डालने वाला हूँ और तू मुझे ट्रे के साथ ही यूटर्न दे रही है। रुक आता हूँ। माधव आ रहा है, टॉपिक चेंज करते हैं। हे बॉयज, ओ सॉरी, हे गर्ल्स, हाउ आर यू? अच्छी हो ना? उसको क्या देख रही हो? और कुछ डर क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं माधव। Something is wrong. नहीं, इस जमाने में किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और दिखाते हैं। अरे रे रे, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल ओपन हूँ। मैं तो अपने शर्ट के बटन भी नहीं लगाता हूँ, पता है? मधु, तुम्हारे मन में कुछ डाउट है? ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैं तुम्हारा एक टेस्ट करता हूँ। क्या? ये लो। ये क्या है? तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। किस लिए? फ्रेंडशिप में। मुझे नहीं चाहिए। अरे ले लो ना। हेलो, साथ में रह के तुम लोग हंसी मजाक करती हो, बोलो ना अपनी फ्रेंड को। ए, इतना सोच क्यों रही हो? ले लो ना। अरे ले लो ना। क्यों रे, इतनी खुजली है तुझमें? मुझसे झूठ बोलकर कि तू गांव जा रहा है, मुझसे प्यार करने वाली लड़की को तू यहाँ गिफ्ट दे रहा है? अरे वनराज, ये भाई इस झूठे की जबान काट दो। भाई, अरे भाई पहले देख तो लो। पर देख तो लो उसमें पहले है क्या? अरे देख तो लो पहले, प्लीज। नहीं। अरे देखो तो सही गिफ्ट में क्या है। अच्छा, मुझे कुछ बोलने का मौका दो। क्या बोलना चाहता है? गिफ्ट दे दिया तो क्या जुबान काट लेंगे? पहले देख तो लीजिए गिफ्ट में है क्या। खोल के देखिए गिफ्ट, बाद में आपको जो करना है कर लेना। ये ले। नहीं सर। पी ले। हाँ, तुझको ये आइडिया कैसे आया? वो क्या है ना सर, आज गांव जा रहा था तो जाते जाते सोचा आपके प्यार को मिलवाता जाऊं। उसमें आपने इतनी जल्दी कर दी, ये भाई तो खेल खेल में डालने ही वाले थे। सफेद ताजमहल देखा है, लेकिन वो काला ताजमहल? मेरी बात सुनिए। हेलो ब्रदर, आपको ताजमहल के बारे में पता है? अरे वो सफेद पत्थर का बिल्डिंग जिसे देखने सब लोग जाते हैं ना। देखा ना, ताजमहल के बारे में लोग जानते तक नहीं है। सर, शाहजहां ने तुरंत काला ताजमहल बनाकर उस ताजमहल में बैठकर सफेद ताजमहल को देखकर मरने की सोची थी, लेकिन उससे पहले ही उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें जेल में डाल दिया, उनकी सब इच्छा पे पानी फेर दिया। ऐसी पुरानी कहानी सुनाकर उसका मन बदल दूंगा ये सोचा था, तब तक खा लिया। सर, अब जेटली की पिक्चर की तरह फास्ट है, मैं बाकी राजा की पिक्चर की तरह थोड़ा स्लो हूँ। आई एम बेसिकली विलेज बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज। नॉलेज बोले तो? 3 बार दबा के खाने का और सोने का। ओ,
मधु मुझे समझ जाए उसके लिए क्या करने का। सर आसमान में रॉकेट उड़ाना बहुत इजी है लेकिन लड़की को पटाना बहुत मुश्किल है। वो मुझसे लव करे उसके लिए क्या करना पड़ेगा तू बता। उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। क्या बोला? उस प्रॉब्लम को मेरे सर पर छोड़ दीजिए ना, 10-15 दिन में वो लड़की आपकी हो जाएगी। तुझसे होगा? बोल दिया तो हो जाएगा। तो यहीं रह जा। कितना पैसा चाहिए ले ले। मुझको मधु चाहिए। एक अच्छे से होटल में एक अच्छा सा रूम बुक करा दो, वहीं पर रहकर किसी अच्छे दिन से अपना काम शुरू कर देता हूँ। वनराज जी भाई, छोटू क्या मांगरा दे दो। ठीक है, बोलिए एसीबी। थैंक्स। आपसे नहीं होगा तो बोल दीजिए। तू किस प्लान के मुताबिक यहाँ पर आया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे रहते तू भाई के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकता है। ये बात है भाई, आपके रहते मैं कुछ नहीं कर सकता ना। ठीक है भाई, जाइए भाई जाइए। सुनामी देख के लहर आई ये कोई बड़ी बात नहीं है। खोपड़ी के सेंसर है यार। अरे बाप रे, स्टॉप, टेक द टिप। थैंक यू सर। ए फॉरेनर, टेक द इंडियन करेंसी इनसाइड। आई नीड ओनली डॉलर्स। टेक गॉड्स डॉलर, इसे लेके चले जाओ। ए, ये क्या है भाई? देखो पैसा आने के बाद घोरा भी हिंदी बोल रहा है। ओ माय जीसस। लिफ्ट कहाँ जा रही है? ग्राउंड फ्लोर पर। क्यों एयरपोर्ट नहीं जाएगी? चुप इडियट, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हाँ सर, एक बात कहूँ? अभी तो किराया तब पूछना था ना। नहीं नहीं ये बात नहीं है सर, आप अकेले हैं, आपने दो जूस ऑर्डर किए, ठीक है, एक नीचे गिरा दिया, या? एक पी रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। जीवन में एक मरेगा तो दूसरा पलेगा, एम आई राइट? करेक्ट सर। थैंक यू थैंक यू। माल के लोग इस दुनिया में। थैंक यू सर। टेक इट। हेलो एक्सक्यूज मी। हेलो, ये होटल के एमडी हैं। ओह ओह, मैं थोड़ा ओवर जा रहा हूँ ना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं रेडी हूं, गाड़ी रेडी है क्या? अभी आया। क्विक क्विक क्विक। थैंक यू सर। एक वीआईपी के आने पर छतरी खोलनी चाहिए। कौन सर? ग्रेट इंसल्ट, मैं हूं। कुछ तो सोचा ना? कुछ नहीं सर। कुछ तो सोचा? ऐसा कुछ नहीं है सर। बोलो ना, आप अपने जीवन में पहली बार छतरी पकड़वा रहे हैं क्या सर? तुमने सही बोला, पहली बार ही छतरी पकड़वा रहा हूँ। कल से कार रूम में ही आनी चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू सर। भरोसा किया पर तुम भी बदल गए, तुम भी आखिर जाके शिवमणि के साथ मिल गए। छी, तुम्हें देखने में भी घिन आती है, मेरे सामने आगे से मत आना। मधु, तुमने इस आदमी को उस दिन बीच रोड पर पानी के गाड़ी से नहीं बचाया होता ना तो लावारिस के जैसा मरा पड़ा होता ही। तूने बेचारा समझा, इसके लिए सर चढ़ कर बोल रहा है ये। चल चलते हैं, मतलब ही कहीं का। हट मधु, सुनो
अभी 24 घंटे के अंदर उस रायपुर के शिवमणि कहलाने वाले गुंडे का पैसा, बल, पागलपन, घमंड, इन सब को एक साथ चूर चूर करके मिट्टी में नहीं मिला दिया, शिवमणि का नाम हसमुख मणि न बना दिया, उसको मौत के घाट उतार के उसके राज्य को खत्म करके इसी कॉलेज में तुम्हें पढ़वा के गोल्ड मेडल न दिलवा दिया तो मेरा नाम भी। एक मिनट, तो मेरा नाम माधव नहीं, यही ना? ऐसे बहुत सारे पिक्चरों में देखा है। रात भर जाग के मैंने ये लिखा था। लगता है टिप की जगह वो पेपर दे दिया मैंने किसी को। ऐसे ही पूरे जोश में शिवमणि के सामने भी डायलॉग बोलने की मेरी इच्छा है, पर क्या करें, हम दोनों को वहीं निपटा कर चला जाएगा। प्रैक्टिकली सोच के देखो, जल्दबाजी में उससे कुछ कहने गए और गलती से कुछ गलत कह गए और उसके हाथ से मर गए, उससे तो अच्छा है कि बुद्धिमानी से जिया जाए, यही अपना स्टाइल है। देखिए, आप देखने में कोई हीरो जैसे नहीं लगते हैं, लेकिन आपने जो डायलॉग बोला था तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, लेकिन ऐसे डर के काम रहे हैं आप। जी जी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा सलमान खान जैसा सिक्स पैक हीरो नहीं हूँ मैं, सिंगल पैक हूँ, अभी जिम जाना शुरू किया है। और मेरी बात सुनिए, जब भी चांस मिलेगा धोनी की तरह 4 और 6 मारना शुरू कर दूंगा मैं, और जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक चुपचाप कोने में बैठा रहूंगा। कल तक मैं तुम्हारी नजरों में एक दोस्त था, आज दुश्मन लग रहा हूँ। दूसरों की नजर में हम क्या लगते हैं ये जरूरी नहीं है, लास्ट में हम क्या कर पाएंगे वो जरूरी है। बात सुनो, अगले 10 या 15 दिनों में शिवमणि तुम्हारे बारे में कुछ सोच भी नहीं पाए ऐसा इंतजाम मैं कर दूंगा। विश्वास करो प्लीज। विश्वास करती हूँ। और एक बात, ये वाटर टैंक में जींस पहन रखी है ना, इसे जरा अपने से दूरी रखो क्योंकि इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी खराब लगती है। सुबह से पाशे फेंक फेंक के पाशे भी तुम्हारे बारे में सोच रहे होंगे। तंदूरी, सॉरी मंदूरी, अपने भाई का प्यार होगा कि आउट होगा? महोदय, आपका प्रेम और मोहब्बत होने के पूरे पूरे चांस है, लेकिन एक परेशानी भी है साथ। कौन सी परेशानी है? पिछले जन्म में आप मदुरई में पैदा हुए थे, आपकी एक लड़की भी थी जिसका नाम था ऐश्वर्या। आप अपनी बच्ची पर जान छिड़कते थे, लेकिन आपकी बेटी मैकेनिक मुर्गन के ऊपर जान छिड़कती थी, लेकिन आपने जातिवाद का बहाना बनाकर उस लड़के को बहुत मारा और अपनी लड़की से अलग कर दिया, उसके चलते वो लड़का हमेशा के लिए पागल हो गया। भगवान, हे भगवान, हे भगवान, यही कहता रहता है। क्यों पंडित जी, पिछले जन्म में मैं इतना बड़ा निर्दयी और क्रूर था? छी छी, सोच के ही घिन आ रही है। थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए। कौन था भाई जो आपको मारने के लिए आया था? मधुकर नाम के आदमी को मारा कहा था ना, वही है, मर गया होता। तू इतने दिन कहाँ था? तुझे क्या चाहिए, मांग? मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। नहीं रे, कुछ तो मांग, मैं बहुत खुश हूँ रे। दारू पीने चले भाई? पिएंगे नहीं, नहाएंगे। आ माधव। कौन है रे? तू है क्या मालिक? क्या घंटा मालिक, अभी तो कार मेरे ऊपर चढ़ा देता, जो बचा गुजा पैंट शर्ट है उसे भी उतार देगा तू। जा 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 जा, जा रे, जा रे। मालिक, भाई तोप के जैसे बदल गया है, आप यहाँ अकेले क्यों कष्ट उठा रहे हैं? आइए, तेरे साथ में मैं नहीं आऊंगा। आप आएंगे नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं। तुझ पे भरोसा करके कैसे आऊं, तू मुझे कहाँ ले जाएगा किसको पता? ओ, तो आपको भाई पे भरोसा नहीं है, तो फिर आप ही गाड़ी चलाइए ना। इसलिए चलाने नहीं आता मुझे, लॉरी के नीचे डाल के मार के तू भाग जाएगा, तेरी चलाके मेरे पास नहीं चलेगी, जा रे। इस माधव पे जो भरोसा करता है उस पे मैं जान देता हूँ, उसकी जान लेता नहीं। अब भरोसे की बात मत कर। मालिक मैं हूँ ना,
मालिका बैठिए। पहले ही तुझ पे भरोसा करके लूट चुका हूँ, अब कैसे भरोसा करूँ? आओ मालिक। अरे क्या कर रहा है तू? अरे क्या कर रहा है? अरे ऐसे कोई डालता है? अरे अंदर बैठने को भी नहीं हो रहा है, निकलने को भी नहीं हो रहा है। अरे उतार रे, उतार। अरे निकाल बाहर। उतरो मालिक। क्या रे, क्यों सुअर के बच्चे के जैसा मुझे उठा के यहाँ पे ले आया? ये कौन सा एरिया है, किसका घर है? मैं अभी जिस मालिक के यहाँ काम करता हूँ ये उनका घर है। अच्छा, काम करने वाले सेठ का घर है? इसका मतलब मेरे जैसा एक बेवकूफ और हाथ लग गया। ठीक है भाई, कौन है वो? रायपुर का शिवमणि। रायपुर का शिवमणि। अरे अरे ये वो बेवकूफ नहीं है रे, वो माफिया है रे। क्यों मुझे गाड़ी में बैठा के ले आया? कार मेरे ऊपर चढ़ा देना चाहिए था ना। ऐसा क्या? अरे रे 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 रे। क्या ऐसा क्या? अरे रे रे। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अरे रुक रे। अरे रे रे, बहुत डेंजरस जगह पे आके फंस गया हूँ रे। अरे बाप रे, माँ दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, तेरा बच्चा फंस गया है अंदर। मिस्टर दीपाली, नीचे कौन है? एक्चुअली ये वन वे है, ओनली इनकमिंग, नो आउट गोइंग। अगर यहाँ से बाहर जाने की सोचे भी आप, तो गेट के बाहर डाबर मैन कुत्ता है, और वैसे भी तुम्हें देखते ही वो कीमा बना देगा। कुकु कीमा। हाँ। मैंने बोला था ना, मालिक के घर में किसी का भी सर काटने वाला यही है। यही है। आओ मैं सबसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अरे यार ये, अरे अरे हाँ रे, ये तो वही है। कौन रे? सुनो रे, इनको आ रे जा रे मत बोलो, ये मेरे पुराने मालिक हैं। ये क्या है रे? अगर ये मालिक है तो यहाँ रहने वाला फिर कौन है? अपने मालिक का मुंह और ढोबड़ा तो देख। ये अभी वो लोग तेरे से पूछा क्या, या मैं तुझे बोला बोलने के लिए? यही लोग हैं जो मेरे दुकान को खाली किए हैं, इन लोगों से ही ये सब क्यों बोल रहा है? ये देख, इतना तो मुझे भी समझ है, मेरे बारे में यहाँ पे रहने वाले सभी को पता है, चुपचाप से मुंह बंद कर ले। मालिक अभी आया। आ आ, क्या हुआ भाई? अरे जा रे, बाहर भी गेट डाले हैं, अंदर भी गेट डाले हैं। भाई मैं इनको साथ लाया हूँ, जब मैं शहर में नया आया था तो इन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। क्या कर रहा है? मेरे बारे में बक रहा है? वो क्या है ना भाई, ये मेरे पुराने मालिक हैं। ओहो, अनेक तो हो गए, देखते हैं क्या करता है। ये थोड़ी तकलीफ में है, इसलिए मैं इनकी मदद के लिए ही नहीं आया था। तुझे ओके है तो मुझे भी ओके। क्या सोच रहा है पता नहीं। अरे रे रे, फिर से देख रहा है। थैंक यू भाई, आपको काम पे रखने के लिए मान गए हैं मालिक। उनको मनाने से क्या होता है, मुझे मानना चाहिए ना। ये देख, तुझे रख के काम लेने वाला मालिक मैं हूँ, अभी ही नहीं कभी भी मालिक मैं ही रहूंगा। सीधे से मेरी दुकान को बना देने का बोल, अपने मालिक से बोल दे कि मेरी दुकान वैसे के वैसे ही चाहिए। ओहो, सब ठीक करके माफी मांगने के लिए? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जो बोला हूँ उतना ही जाके बोल, फालतू बकवास मत कर। तू यहाँ क्यों रुका हुआ है? ये बात बोल की गाड़ी तेरी तरफ घुमा के छोड़ दूंगा। मालिक मालिक, आप इतनी सी बात को लेकर टेंशन में क्यों आ रहे हैं? डर से जो मैं बोला वही जाके बोल। मैं तो इसका अच्छा करने के लिए लाया था, पर ये तो मेरी वाट लगा रहा है। क्या माधव, क्या बोल रहा है पुराना मालिक? यहाँ पर काम नहीं करना चाहता, यहाँ पर भी वही मालिक रहेगा, वो भी आपका मालिक रहेगा, क्योंकि उसको आपका नहीं, ऐसा पसंद नहीं आया, ऐसा बोल रहा है। ऐसा नहीं बोला मैंने। ओ, मेरा मालिक ये रहेगा? क्या निकल रहा है? अब एक ही जगह पर दो मालिक नहीं रह सकते। बंदूक। फिर अब तेरा क्या करना चाहिए? क्लीट करने वाले हो क्या? अरे भाई, इसने तो कर दिया। भाई अगर इसने कर दिया है तो इसको छोड़ना मत। खराब हो गया हो तो इसको वॉशरूम में ले जाओ। मैं क्या, लेके जाओ, लेके जाओ। जो आता है मुझे डराता है, ये बंदूक दिखा के डराता है। अच्छा आदमी है भाई। हाँ, मधु को देखा, क्या कहा? भाई मैंने उससे बात कर ली है। हाँ। अपन जैसा सोच रहे थे, 15 दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ? उसके पहले ही मैं ओके कर दूंगा। ऐसा क्या? हाँ, लेकिन उसके बाद ये पुतले जैसे सर वाले, हाथ में चाकू और डंडा रख के बड़ी बड़ी आंख करके घूरने वाले, इन सब को यहाँ से भगा देना। भाभी को ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि तभी तो मैं सब कुछ फ्रीली कर पाऊंगा।
तेरी तो क्या बोला था रे? तू शिवमणि के साथ रहेगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा है? ए, तेरे जैसे चिकन मटन खाके और जिम जाके बॉडी नहीं बनाई है मैंने, समझा? गांव खेड़े का हूं मैं, खून पसीना बहा के ये बॉडी बनाई है मैंने। पी 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 इसको पी पी। भाई भाभी को कितने साल से लव करते हो? क्या अरे अचानक पूछ रहा है? 3 साल से। वो लव नहीं है रे, चाहत है। अरे अरे भाभी का नाम दूसरे किसी के सीने पे लिखा देखोगे तो क्या करोगे? उसको काट के उसके पीस पीस कर दूंगा। बोलूंगा तो आप उसका खून पी जाएंगे, नहीं बोलूंगा वो भी गलत है। क्या हुआ माधव? आइए ये देखो भाई, भाभी का नाम सीने पे लिखवा के रखा है। भाई के साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया मैंने पूछा तो? मधु मेरी बीवी है बोल रहा था भाई। भाई भाई छोड़ भाई, नहीं 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 भाई सुनो, बात सुनो भाई, ये सब आपके आदमी हैं, अगर आप जेल चले गए तो भाभी का ख्याल कौन रखेगा? क्या भाभी को मुंह से काट कर भाभी को उठवा लेगा? तेरी दे तो ठहरो तो भाई, बात सुनो, मैं देख लूंगा, आप जाओ। इसका चैप्टर क्लोज कर, जल्दी से मार डाले से, छोड़ा नहीं से। सही में देख लूंगा इसको, जाओ। मार डालूं? मधु को इतना चाहता है ये, इसके इनपुट में जाके देखता हूं। ओहो, उसके ताले की चाबी यहां है। देखते हैं। ए देख लिया ना, लगा दी तेरी बुच, यही माधव का स्टाइल है। बोलो माधव क्या बात है? तुम्हारे लिए तिरुपति बालाजी मंदिर जाके अर्चना करके आया हूँ। क्या श्री तिरुपति बालाजी के मंदिर? हाँ। से वो तो यही है चेन्नई के पास। ऐसा क्या, चेन्नई के पास में ही है? बहुत दूर तक ट्रेवल किया, ऐसा लग रहा था तिरुपति में क्रॉस कर चुका हूँ। तुम तिरुपति नहीं गए, बालाजी भी नहीं गए, तो किस मंदिर से उठा के लाए हो? यही तो, यही बात तो तुम्हारी मुझे पसंद आती है, क्या नॉलेज है। मैं तिरुपति जाऊं, बालाजी जाऊं, सिर्फ तुम अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रहो। पेपर में क्या है माधव? कुमकुम है उसके नीचे। पेपर? मैं पूछ रही हूँ वो जो दोनों के बीच में है। क्या? तुम ही पढ़ो। तुम ही पढ़ो? आई लव यू लिखा है। इसका मतलब? आई लव यू तुम्हें नहीं पता? मुझे तो पता। आई लव यू का मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा क्या, तुम लव के बारे में क्या सोचती हो? किस लिए? बस ऐसे ही जीके के लिए। ओहो, लव के बारे में जानने के लिए तुम्हें जीके की जरूरत है? ओके, इफ यू डोंट लाइक, कोई बात नहीं। अब तो शिवमणि के आदमी तुम्हें फॉलो नहीं करते ना? नहीं। दैट्स ग्रेट, अब से वो तुम्हें फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग तुम्हें फॉलो ना करें ऐसा मैंने प्लान बनाया है। यही है माधव का स्टाइल। शिवमणि यहाँ आया था। क्या बोल रही हो? हाँ माधव, रात के 2 बजे होंगे, वो घर पर आकर बोला मुझे नींद नहीं आ रही है, देखने चला आया, ये क्या टॉर्चर है, मेरे एग्जाम नजदीक है, कुछ करो प्लीज माधव, तुम कुछ करो। ये 10 दिन ही नहीं, इस शिवमणि नाम का आदमी तुम्हारे पास फटकेगा भी नहीं, मुझ पर विश्वास रखो। क्या बोल रहा है, मेरा एनकाउंटर? हाँ भाई, ये सुना तो मैं भी हिल गया। माधव मैंने गलत काम करने कई सालों से छोड़ दिए हैं। आपने छोड़ दिए हैं ना, लेकिन वो आपके पुराने केस बाहर निकाल रहे हैं। अरे ऐसा होता तो पेपर में छापते ना। यही तो पुलिस का तरीका है भाई, क्या आपको पता नहीं है? पहले वो आपका एनकाउंटर करेंगे, बाद में आपका नाम पेपर में छापेंगे। किस लिए अभी शिवमणि को अचानक डरा रहा है? ये क्रिमिनल पॉइंट लग रहा है। एनकाउंटर में मरा वो टकला सूरी, वो लास्ट में किससे बात करके गया? मुझसे ही। बात करते वक्त उसने क्या बोला? तमिलनाडु की पुलिस उसकी पॉकेट में है, मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका एनकाउंटर करने वाला कौन है? वो भी तो तमिलनाडु पुलिस ही है। व्यवसाय को छोड़ के घर के अंदर ही घूम रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है देखते हैं। कांदा है, खाने में खाने वाला कांदा ये आंख में क्यों डाल रहा है?
फिर आग में कांदा डाल के क्यों रो रहा है? शिव मड़ी को भी मेरे जैसा बनाने को सोच रहा है। आप मधु से कितना प्यार करते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा आपका ही भाई आपसे प्यार करता है। अगर आपको कुछ हो गया ना माधव, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आंखें पोंछ ले। क्या एक्टिंग कर रहा है रे? ऐसी एक्टिंग देखे नहीं इसलिए शिवाजी गणेशन भगवान को जल्दी से प्यारे हो गए। ठीक है, अभी मैं क्या करूँ बोल। बहुत सिंपल है भाई। हाँ। आपके साथ रहने वाले सभी गुंडे अभी मुंबई में है। ठीक है, तो आप यहाँ रह के तकलीफ क्यों उठाए? आप भी जाके उनके साथ मुंबई डाल में दिया रे, डाल दिया। क्या सोच रहे भाई? मधु को देखे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। मैं क्या आपको वहीं रहने के लिए बोल रहा हूँ? बस आप 10 दिन के लिए वहाँ रह जाइए। जैसे ही यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपके बारे में भाभी से कह के मैं ओके करवा दूंगा। कितने प्यार से ओके करके कितने आराम से बोल रहा है, और वो विश्वास कर रहा है इस पे। ताकत तो तुम लोग मुझ जैसे आदमी पर दिखाओगे। ऐसे आदमी के पास जाते ही क्रैक हो जाते हैं। अरे जाओ रे भाई, जब तक तुम वापस आओगे तब तक भाभी शादी के लिए तैयार हो चुकी होगी। ओके, देख लीजिएगा। तू बोल रहा है तो सही है, मैं मुंबई जाने की तैयारी करता हूँ। पेपर में कुछ छपा है इसलिए डरा रहा है। क्या छपा है? अरे तो गैसल का पेपर है। अरे पापी कहीं के। अरे सुना है बिल्ली भी ये घर हमेशा छोड़ देती है, लेकिन तू तो उससे भी बढ़ के है। ला 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 आइसक्रीम। मुझे नहीं चाहिए, मुझे बहुत कोल्ड है। अच्छा हुआ। ओहो माधव फोन कर रहा है। उठाना मत, उठाना मत, उठाना मत। नहीं उठाऊंगी तो उसके पीछे भी एक कहानी बताएगा। हेलो मधु बोल रही हो? बोलो। कहाँ पर हो? कॉलेज में ही हूँ। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। मेरी स्पेशल क्लास है। ये क्या बोल रही हो, स्पेशल क्लास है या सादा क्लास? मैं तुम्हारे लिए लो क्लास में बैठ के फर्स्ट क्लास का आइडिया लेके आया हूँ। अभी तुरंत आके मुझसे मिलना होगा तुम्हें। 10 मिनट में आ सकते हो क्या? वो सब नहीं, अभी मिलना है। अभी कैसे माधव? कुछ नहीं, थोड़ा पीछे मुड़ के देखो। हाय। अरे ये क्या, नीचे की फेंक दी। मुझे देखते ही मेरा मजाक उड़ाता है वो। दो दो आइसक्रीम खाते देखेगा तो मुझे मार डालेगा पका के। जाने दो, बस हो गया। अरे ये क्या, आइसक्रीम फेंक दी। हाथ से फिसल कर नीचे गिर गई, जाने दो। मेरे जाने के बाद उठा के खाओगी तो नहीं? कहो माधव क्या बात है। हाँ वो शिवमणि। क्या वो चला गया? हाँ अभी सिर्फ मुंबई तक पहुँचाया है, आने में उसको 10-15 दिन तो लगेंगे। तुम्हारा थैंक्स माधव। तुम बिना टेंशन के एग्जाम अच्छी तरह देना। ये ले लो। क्या है ये? खोल के देखो ना। अरे बाप रे, ये क्या है? ये टू मच हो रहा है माधव। मुझे तभी पता चल गया था ये बड़ा अजीब किस्म का आदमी है। मैं क्या तुम्हारी बीवी हूँ? हलवा और फूल लेकर चले आए, एकदम नॉनसेंस है। मधु देखा ना, हलवा पुरानी पिक्चर। हलवा तो है पुरानी पिक्चर, फूल का मतलब है परसों का दिन, और चमेली के फूल का मतलब है गांव का गायक। हलवा जो है वो एक स्वीट है, वो 5 साल की बच्ची भी खा सकती है और 50 साल की बुढ़िया भी। इट्स ट्रू। ये जो फूल है ना, ये माँ को भी दे सकते हैं, बहन को भी दे सकते हैं, बीवी को भी दे सकते हैं, भगवान पे भी डाल सकते हैं और मुर्दे पे भी डाल सकते हैं। इट्स लॉजिक। तुम तो कुछ भी सोचते रहती हो, हमेशा गलत ही सोचती हो मेरे बारे में। एक फ्रेंड को खाली हाथ नहीं आना चाहिए था। 5 दिन सोचने के बाद हलवा और ये फूल लेके आए, और तुम ओके बिगड़ गई मुझ पे। इस बच्चे का दिल तुम दोनों ने मिलकर तोड़ दिया। जाओ। ठीक है ठीक है, ठंडा होने के लिए फूल को खा के हलवे को सिर पर लगा लेना। छी छी, तुम लोगों के गुस्से में मैं तो सब कुछ भूल गया। पर तुम तो समझ रही हो ना मेरी बात को? नहीं। क्या नहीं नहीं, यही सच है। मैंने ही जल्दबाजी कर दी, वेरी सॉरी। छोड़ो छोड़ो, तुम जैसी लड़कियों के लिए माफी मांगना दुपट्टा एडजस्ट करने जैसा है। माफ करके बार बार हेल्प करने वाले मुझ जैसे लड़के पर सांस छोड़ती हो। हट। मच्चर, मच्चर। तो फिर कल वापस से मुलाकात होगी। हाँ भगवान। ओहो इसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उस दिन मुझसे कह रहा था कि इसके मालिक मुझसे लव करते हैं, और मेरे पास आके बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, और मेरे लिए ही वो शिवमणि के पास रह रहा है। इसे तो मैं जज ही नहीं कर पा रही। अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? अगर वो तुझसे प्यार करता है या नहीं तुझे पता करना है ना। वो सब मैं देख कैसे मैं हूँ ना भैरवी। ओहो मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या हुआ तुझे? मधु मधु मधु, मैंने कितने सारे बेवकूफों को देखा है, लेकिन मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम
ऐसा बहुत बड़ा बेवकूफ देख रही हूँ मैं। उसने ऐसा क्या किया? वो तो एक ही स्टेयरिंग पे दो दो बस चला रहा है। थोड़ा समझा के बताओगी प्लीज? हेलो, यस, हाय। ये क्या है? ऐसा लग रहा है बुलडोजर को साड़ी में बांध के लाई हो। मैं एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, मना कौन कर रहा है तुम्हें? तुम्हारी बातें, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा वॉक, तुम्हारा मैनरिज्म, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, वो शू, उसके अंदर के वो सॉक्स, यू नो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। तो क्या हुआ? इसीलिए तो I love you. अरे रे रे रे, अरे हंस रही है तो पूरा होटल हिल रहा है। ए ए ए रुक जा। मैं एक बात पूछूं क्या? हाँ बोलिए ना। सच कहूँ तो तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा स्ट्रक्चर, तुम्हारा फेस, आईज, नोज, लिप्स, हील्स, ये सब मुझे बहुत पसंद है जी। उसके लिए उसका क्या? आई लव यू। हे भगवान, मुझे बचा लो। शॉक हो गई? शॉक हो गई ना? ऐसे ही उस दिन मैं भी शॉक हो गई थी। अब उसका क्या करें? तो चिंता मत कर, इस दुनिया में सिर्फ फल खाने वाले बंदर नहीं है, वैसे ही बिना पैसे के घूमने वाले इंसान नहीं होते। हम उसे पैसों से मारेंगे, उसकी कमजोरी को हम ढूंढेंगे। हाय, क्यों जी, कल ही प्रपोज किया, आज पार्क में, कल बीच में, परसों थिएटर में, बिल्कुल सही जा रही हो तुम। ये लीजिए। ये क्या है? मेरे लिए गिफ्ट? खोल कर देखो। ओ आई सी। अरे ये क्या, इतना पैसा? तुम्हारे लिए ही है। मेरे लिए इतना पैसा क्यों? तुम आज तक जो मधु का हेल्प करते आए हो ना, इसलिए। उसके लिए तो उसने तुम्हें गिफ्ट देने के लिए कहा है। कितना है ये पूरा? 1,00,000 रुपए होंगे। ले लो। 1,00,000 पकड़ो। एक बात तुम्हें पता है? अपने गांव में मैं तुमसे भी, मधु से भी और शिव मणि से भी ज्यादा पैसे वाला हूँ। ऐसे ही गांव से आते वक्त कुछ ना कुछ लेके आते हैं, लेकिन मैं सबको दे के आया हूँ। चेन्नई में लाखों लोग हैं, उसने मुझे ही क्यों बचाया? मधु के कितने फ्रेंड्स, सगे वाले लोग रहे होंगे, उसने मेरे पास ही अपनी कहानी क्यों सुनाई? इसी का नाम संजोग है, और संजोग को ही प्यार कहते हैं। हर इंसान शरीर से निकली जान को बाहर ढूंढता है, यही प्यार है। कुछ लोगों को ये मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। मुझे मिला है, मेरे उस प्यार का नाम है मधु। कभी भी किसी भी दिन शिव मणि को हकीकत का पता चल जाएगा, वो मुझे सच में मार डालेगा। परवाह नहीं, ये मधु की बचाई हुई जान है, उसके लिए चली भी जाएगी तो इसको संतोष मिलेगा। और दूसरा क्या है, मेरी माँ, उसने मुझे जीवन दिया है, और वो जान मधु ने बचाई है। इस शहर को छोड़ के जाते वक्त मधु को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, नहीं तो उसके लिए यहीं मर जाऊंगा। क्या है ना, सब लोग प्यार के लिए मरते हैं, मैंने तो मरने से ही प्यार की शुरुआत की है। बोलना अपनी फ्रेंड को। माधव। हाँ? खुशी से मैं मर जाऊंगी। और 5,000 साल जी लो, बाद में सोचना। ओ सॉरी, वन सॉन्ग। ए माधव। क्या भाई, इतनी जल्दी आ गए? मैंने क्या बोला और आप क्या कर रहे हैं? नहीं माधव, कल मधु का बर्थडे है, हर एक साल मैं उसे गिफ्ट दूंगा, वो इस साल मिस ना हो जाए इसलिए। अरे भाई, आप भी इस साल भाभी को गिफ्ट देने के लिए आपका छोटा भाई बैठा हुआ है ना, उसके लिए आप इतनी दूर इस से बैग के अंदर क्या है? ये बैग कुछ नहीं है भाई। ला, आज दिखाना। भाई फंस गया है, शिव मणि के पास बच्चा अच्छे से फंस गया है, इसकी क्लास अब चालू होगी, अब मजा आएगा, इसके लिए अपन अंदर से बांसुरी बजाएंगे।
ए क्या है इसमें? कुछ नहीं भाई। ए ये देखिए क्या कर रहे हो? क्या रे ये सब? लेडीज आइटम? क्या बोलूं? किसके लिए? दूसरा किसके लिए? सब तेरे लिए ही इकट्ठा किया है और तू उसके साथ इकट्ठा होकर घूम रहा है। अरे कोई सुन तो नहीं रहा है? अच्छे रीच के जैसा क्या है, टच है? यहाँ क्या रीच के जैसे खड़े हो, जाओ जाके कांधा लाओ। अरे ये मुझको कांधा लाने के लिए कह रहा है। ये जीन्स किसके लिए? माँ के लिए। माँ के लिए? बचपन में जीन्स पहनने की इच्छा रखने वाली मेरी माँ अपने बाप से मांगा तो उन्होंने उसकी इच्छा वहीं पर दबा दी। उसके बाद मेरे पिताजी से मांगी तो सब बेकार है कह के उनके सपनों को ही तोड़ दिया। किसी ने भी उनकी इच्छा पूरी नहीं की। मैं उनको लेके दूंगा ऐसा सोचा था। सबके कपड़ों के लिए पिताजी की ही बात चलती है और मेरे वदन के लिए माँ की बात चलती है। माँ से इतना प्यार करता है? नहीं भाई, इतना प्यार माँ के ऊपर है। क्यों रे, मेरे जैसा ही उसको उल्टा सीधा पूछ रहे हो? वो जो बोल रहा है वो तो समझ लो। ऐसे ही जाके उसे पकड़ के उसके चेहरे पे मारूं सोच रहा हूँ। डर से मेरे अंदर से जान निकल के बॉडी कंट्रोल से बाहर जा रही है। तेरी सोच बहुत बड़ी है रे। हमारा बिल्डिंग स्ट्रांग है, बात खाली थोड़ा वीक है। अभी सिर्फ बात ही वीक है, ये लोग के साथ बिल्डिंग पूरा उड़ना शुरू कर दिया है। जिस दिन यहाँ बिना पानी के जीना सीख लिए उसके बाद गुस्सा करने वालों के साथ रहना बिल्कुल ठीक रहेगा। मधु, मधु, मधु कहाँ है? मधु नहीं है, बाहर गई। कहाँ गई है? पता नहीं। क्या भाई, गए और तुरंत चले आए? मधु घर में नहीं है। मधु घर पर नहीं है तो फोन तो करना चाहिए था। फोन स्विच ऑफ है। हाय रे किस्मत, पता नहीं क्या। भाई आप अपना मूड मत खराब करो, आज कितनी भी देर होने दो, मैं भाभी को घर लेकर ही आऊंगा। आप जाइए, मैं लेकर आता हूँ। चलिए आइए। लेके आएगा ना? भाई जरूर लेकर आऊंगा, आप जाइए। बर्थडे हैप्पी। शिवमणि ने क्या कहा बोलो? ये क्यों पूछ रही हो? तुम घर पर नहीं हो, पता चलते ही उसका मुंह देखने लायक था। पिए हुए बंदर जैसा कुंह हो गया। ठीक है वो सब छोड़ो, आज मेरा बर्थडे है, तुम्हें पता है ना? मुझे गिफ्ट क्या दोगे? ए मधु, व्हाट इज दिस? पुरानी हीरोइनों की तरह क्या गिफ्ट और केक? अरे देखो, अपने लोगों का बर्थडे होता है तो बोतल मंगा के टुन हो जाने का। तुम अगर ओके बोलो तो बाजू में ही एक बार है, चलो चलते हैं। चलो छी, जाओ ना। अब क्या है, तुम्हें गिफ्ट चाहिए ना? ठीक है, आंखें बंद करो। आंखें खोलो। ये कैसे आया तुम्हारे पास? ये तो मेरा फोन है। उस दिन तुमने एक्सीडेंट से बचाया था ना, उस वक्त अपना दिल तुम्हारे पास छोड़कर तुम्हारा फोन ले आया था। मेरी आज की बर्थडे गिफ्ट यही है। ठीक है, क्या खाओगी? फ्रूट सैलेड। मुझे भी दो फ्रूट सैंडविच पार्सल। मालिक आप यहाँ कैसे? मुंह बंद कर। क्या रे, एक साथ रह के बिछड़ गया है फिर भी मालिक मालिक कह के तू हमेशा चिंता कर रहा है? एक बस है, अभी बताता हूँ, वो प्यार करने वाली लड़की से तू लव कर रहा है, बोल के मैं अभी तेरी कहानी खत्म करता हूँ। छोटी सी बात है, इतनी सी बात को लेकर आप परेशान क्यों रहे? छोड़िए ना मालिक। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, अभी जाके उसको बताता हूँ। अरे ये कुछ बोले उससे पहले इसे संभाल लो। अरे नहीं मालिक, ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग बहुत छोटे। क्या लड़की है रे, इसका नाम है माधव, लेकिन ये बहुत बड़ा पक्का मवाली है। इस मवाली के साथ अगर यहाँ वहाँ घूमते रहेगी तो तेरा भी मान सम्मान चला जाएगा। थैंक यू मालिक। अबे तेरा यहाँ काला चिट्ठा खोल रहा हूँ और तू मुझे थैंक्स बोल रहा है? अच्छा पोज दिया ना इसलिए। पोज दिया? कैसा पोज? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, वही जो इस लड़की का हाथ पकड़ा था ना, वही वाला पोज। हाथ जो पकड़ा है वही है, डायलॉग नहीं है। मेरा शिवमणि के पास बोलने वाला डायलॉग ही दूसरा है। अबे क्या डायलॉग है? इस लड़की का हाथ पकड़ के आ हम दोनों भाग जाते हैं गांव के बाहर, माँ बाप का खेल खेलेंगे, ये कहने के लिए बुला रहा है, ऐसा कहूँगा। मालिक वो जो फ्रूट सैंडविच कहा था वो कैंसिल ना। अरे ये बीच में कहाँ से खंभा खड़ा है, हटाओ इसे। मधु तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? चलो 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 चलो।
इसकी बात करने के लिए लड़की का हाथ पकड़ा तो इतनी बड़ी कहानी बना दिया। भाई भाई को देख, ये क्या चाहते हैं? तेरे बर्थडे पे तुझे गिफ्ट देना चाहते हैं, ये क्या गलत है क्या? ये देख, भाई के जैसा नहीं हूँ मैं, मुंह पे मारूंगा और थोपड़ा तोड़ दूंगा पढ़ाई खत्म करने के बाद भैया से शादी कर लेने का, समझी ना? माधव आप चुप रहो भाई। ये देख, करीना और सैफ अली के बाद किसी का प्यार है तो वो मेरे शिवमणि भाई साहब का प्यार है। ठीक है भाई, भाभी को देख लिया ना, अब आप ही जाके ड्रॉप कर देना। माधव भाभी को तू ही ड्रॉप कर दे। ऐसा क्या? देखा ना, अभी भी भाई चल के जाने के लिए नहीं कह रहे, ड्रॉप करने के लिए बोल रहे हैं। कितने अच्छे आदमी है ये। चलो अब भाई। ठीक है मधु, हैप्पी बर्थडे। जाओ जाओ जाओ, मेरा छोटा भाई है। सॉरी रे, ज्यादा बोल दिया क्या? गुस्सा आ गया, थोड़ा ज्यादा बोल दिया ना। अरे ये क्या, मार क्यों रही है तू? धक्का देने से चोट नहीं लगी। हा? तुम जो फालतू बोल रहे थे ना, उससे दुख हुआ। जरा पागल, तुम पागल। थोड़ा थोड़ा, सॉरी गाना नहीं है। अच्छा और क्या बना है? इडली। इडली बोले तो सफेद या राउंड वाली? सुबह सुबह क्यों पका रहे हो मुझे? ठीक है, कौन सा ड्रेस पहनी हो? लाइट येलो कलर। बोलो हनीमून पर कहाँ चलेंगे? कुल्लू मनाली? छी छी, वहाँ तो बहुत ठंड होगी। फिर राजस्थान? अरे वहाँ तो बहुत गर्मी होगी। अरे तो फिर 2 और 3 के बीच में 2:30 बजे रख लें। ए बदमाश कहीं के, उस मोटे बुढ़े का टॉर्चर मुझसे अब सहन नहीं होता। उसका मुंह, उसकी ड्रेस, ओ कुछ तो करो तुम प्लीज। मैं बताता हूँ ना, उस मोटे बुढ़े को उस जगह पर आने के लिए बोलो, और उसको कोई बेल बजा रहा है। हाँ तुम बोलती रहो ना। हाँ सुन रहा हूँ, कोई बेल बजा रहा है। एक मिनट। आइए भाई। किसका फोन है? नैन तारा, अंदर आइए ना। वेरी इंटरेस्टिंग। 9 तक मेरे साथ ही पढ़ी है, नैन तारा नाम है उसका। क्या भाई आप अचानक आ गए? हार्बर रोड गया था, सोचा तुझसे मिलता चलूं इसलिए आया। रूम एकदम कंफर्टेबल है ना? रूम के लिए क्या बात है भाई। फोन बज रहा है, उठा ले। हाँ ठीक है भाई। हेलो, फोन क्यों काट दिया तुमने? मैंने कट नहीं किया, तुमने कट किया। बैटरी वीक है, बाद में फोन करता हूँ। उस दिन जो तुमने गले लगाकर बोला था वो वापस बोलो ना। आई लव यू बोली थी। हाँ हाँ वही वापस बोलो। आई लव यू। ये क्या क्या है? भाभी है। भाभी आपसे बोलने के लिए शर्मा रही थी इसलिए मुझसे बोला। आपका लव मेटर वर्कआउट हो गया भैया। एक साल मुझसे नहीं रुका जाएगा। तू जीत गया माधव, तू सच कह रहा है, तू मेरा भाई है। सर उठा के पानी में डुबा के देख चुके हैं भाई, हाथ पैर को बांध के नाखून उखाड़ के भी देख चुके हैं भाई, इलेक्ट्रिक शॉर्ट से वेल्डिंग करके देख चुके हैं भाई। भाभी को नहीं बोलूंगा ऐसा कह के हम लोगों को हूल दे रहा है भाई। सर बांध के लटका देना चाहिए था ना इसको। भाई लटकाया था इसको, ये साला सो रहा था। खोल रहे, इसका मुंह देखना है। क्या घटिया है भाई, थैली में से चूहा गायब है भाई। गायब है?
ए थैली में से चूहा कहाँ गया बे? मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं चूहे को ही खा गया। साले तेरी ये प्यार करने की उम्र है? प्यार के लिए उम्र जरूरी नहीं है दोस्त, मन की चाहत जरूरी है। अबे तुझे किसी भी साइड देखेंगे तो एक ही साइड दिखती है, तेरा वन साइड लव है बे। मेरा लव एक साइड है तो क्या हुआ, लेकिन अभी भी मेरी मधु मेरे ही साइड है। भाई मैं इसे कुछ भी पूछ रहा हूँ ये मुझे उल्टा जवाब दे रहा है। मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। स्टॉप। किस लिए? कहीं भी मारो, जिस पार्ट में मारना है मारो, लेकिन मेरे हार्ट पे मत मारना मेरे भाई। क्यों? क्योंकि मेरी मधु यहीं पे घर बना के बसी हुई है, तो यहाँ मारेगा तो वहाँ दुखेगा। ए, उसके सर के बीच में रख के दे उसको। ए, इसे उठाकर रोड पर फेंक दो। हेलो हेलो क्या माधव शॉक्ड हो गया? अंदर आ। मधु मेरे प्यार को मान गई ना, इसलिए तारीख तय करने आए हैं। छोटा भाई माधव यही सब कुछ है, इस खुशी का कारण भी यही है। ए आना आना आ। खुशी की बात है ना, तो फिर सब लोग उदास क्यों हैं? अच्छा टाइम निकलने से पहले थाली बदल लीजिए। हाँ मधु, मैं 21 और 28 जून 18 ये तीनों तारीख अच्छी है ज्योतिष ने बताया है, तुम्हें कौन सी पसंद है? वो जून 18 ओके। जून 18 मैं भी वही सोच रहा था, 18 1 और 8 9 ये मेरा लकी नंबर है। क्या भाई हा? इतनी व्यवस्था की है तो एक फोटोग्राफर को नहीं बुलाया? ए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? बेवकूफ कहीं के, भाभी कितनी अच्छी है और भैया शर्मा रहे, वाह कितनी अच्छी जोड़ी है। थोड़ा हंसी है, तुम चिंता मत करो मैं देख लूंगा। अंकल अब क्या थाली बदल लीजिए ना। पिताजी भैया हंसिए ना। ओके सुपर। गरम सलिया लगा रहा है, जीभ काट रहा है, गला काट रहा है, ऐसा काटने वाला सपना देखे तो नींद कैसे आएगी। कालकोठरी कालकोठरी, इससे पहले कालकोठरी से छुटकारा पाते हैं, इसके बाद देखेंगे। यही अच्छा टाइम है, अभी निकलेंगे तो फटाफट गए तो तिरुपति पार कर लेंगे। वहां तक नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं रह सकते हैं, यहाँ से भागना पड़ेगा। बहुत मजा लग रहा है यार। ये साला गांडा लोहा अपने ऊपर लेकर के सोया पड़ा है। अरे ये तो सेलफोन है, क्यों इसके पास छोड़ने का? ओके, इसे रास्ते में आधे दाम पे बेचेंगे तो अपना रास्ते का सारा के सारा खर्चा निकल जाएगा, ये तो फायदे की चीज है। बैग, मनी पर्स, चक्कू, छुरी, टमाटर को काटने के काम आएगा। बगैर बॉडी हिलाए खड़ा है, ये सो रहा है कि जाग रहा है? अरे ये कैसे पता करूं मैं? मोमेंट नहीं है। चलो अच्छा है कि ये खड़े खड़े ही सो रहा है, इनको खड़े होकर सोने की अच्छी प्रैक्टिस है। यहाँ भी एक सेल फोन रिंग। अरे ये तो एक ही बार में फोन छोड़ दिया।
ओए मां, हाथी, शेर, छी, बिल्ली, अरे डर से किसको क्या बोल रहा हूँ जी। अरे यार तो सब जगह जगह पे है। अरे क्या, ये तो बेल बज गया। चलने निकलने सुनसान से। अरे कैसे उतरने का मुझको समझ में नहीं आ रहा है। अरे उतरना तो पड़ेगा ही। ओ माँ, अच्छा होगा बच गया मैं। दो मोटरसाइकिल आ रहा है, दोनों को रुका देना चाहिए। जो रोकेगा उसी पे बैठ के निकल लूंगा मैं। क्या दोनों बाइक इक्वल में आ रहा है? अरे ये तो कार है। ओए, कौन है? पुलिस की गाड़ी। पुलिस की गाड़ी है? इधर आ रहा है। आ रहा हूँ साहब, उस दिन मारा था उसी अंदाज में बुला रहा है। नमस्ते साहब। आधी रात को इधर क्या कर रहा है? नहीं, उस साइड से चढ़ के इस साइड से उतर कर देख रहा था। चढ़ कर उतर कर देखने के लिए एवरेस्ट है क्या? नहीं, इसका थाना चेक कर। इधर ला रहे साहब, इसमें चाकू है। चाकू, चाकू है, चाकू है। चिल्ला मत। पुलिस स्टेशन से जब तूने उस चैन चोर को भगवाया था तभी मुझे पता चल गया था तू भी एक चैन चोर है। मैं चैन चोर? उस दिन तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज तेरी कुटाई करेंगे। चल स्टेशन, चल, बचाओ, बचाओ, बचाओ। मधु, मधु लग रहा है ना? मधु, मधु, मैंने तुम्हें आई लव यू कहा तो तुमने फोन शिवमणि को दे दिया। अब वो शादी की बात तक आ गया है, अब क्या होगा? ये शादी जरूर होगी, लेकिन दूल्हा शिवमणि नहीं, मैं होऊंगा। कैसे? मिसेस माधव, शिवमणि एक बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान है। मैं मिट्टी को उठाकर शक्कर कहूंगा तो वो मुंह में डाल लेगा, जहर देके अमृत कहूंगा तो वो पी जाएगा। इतना ही क्यों, हाथी को लाकर खड़ा करके पूछूंगा बंदर कैसा है तो सुपर्ब कहेगा। ऐसा उसको ट्यून करके रखा है और रिमोट मेरे हाथ में है। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। मैं और लड़कियों की तरह प्यार किसी और से और शादी किसी और से ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। क्यों मधु इतना टेंशन ले रही हो? 99 रन मार दिए हैं और एक रन मारना बाकी है। सेंचुरी मारेंगे और सेफली जिएंगे। क्यों इतना डरती हो बिंदास रहने का? डर लग रहा है मुझे। अरे बोल दिया ना, देख लेंगे। क्या भाई, शादी का घर एकदम सुनसान है? अपने छोटे को देखो ना कितना मस्त है। भाभी से मैं सब बात कर लिया हूँ, वो पूछो ना मुझसे। जून 18 की शादी रख दी ना भैया, इस बात से झगड़ा हो गया। इतनी चाहत है उनको आपके साथ रहने की। और एक बात है भाई, मंगलसूत्र बांधने से पहले आप दाढ़ी जरूर बनवा लेना, ये भाभी की रिक्वेस्ट है। आपको नहीं जमेगा तो निकालने की जरूरत नहीं है। देखो रे, शादी के नाम पे कितनी रौनक आ गई है चेहरे पे, है ना? अरे ये क्यों सर झुका रहा है भाई? क्या भाई, छोटा भाई इतनी बातें कर रहा है और बाकी सब चुपचाप बैठे हैं, इसका क्या मतलब है? मिसेस माधव, शिवमणि एक बहुत बड़ा। ओ जी टीवी। मैं मिट्टी को उठाकर शक्कर कहूंगा तो वो मुंह में डाल लेगा, जहर देके अमृत कहूंगा तो वो पी जाएगा। इतना ही क्यों, हाथी को लाकर खड़ा करके पूछूंगा बंदर कैसा है। वो उस साइड है, वो भाभी है, और जो इस साइड है वो मैं हूँ। क्या एकदम अजीब है ना भाई? अरे अरे, दुनिया में एक जैसे 7 लोग होते हैं ऐसा सुना था, क्या सच में 7 लोग होते हैं? भाई ये कोई ग्राफिक्स है भाई, आप इस पर भरोसा मत करना। भाई वो मैं नहीं हूँ, आपकी कसम खाता हूँ। ओ पता चल गया तुझे, फिर तो क्लाइमेक्स है। तो फिर शिवमणि क्या करना है? तेरी तो ए, भाई का नाम लेता है। मैंने इसको कभी भाई माना ही नहीं। छोड़, तू अभी गुस्से में है, मुझे मार देगा और मैं मर जाऊंगा। लेकिन मेरे मरने के बाद वो लड़की कहां पर है तुझे कैसे पता चलेगा? अभी तू क्या करने वाला है? ए, मधु कहाँ है? ए, वन सेकेंड, अगर उसकी जगह बताऊंगा तो तू चला जाएगा ना, फिर मैं। ए, 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 क्या चाहिए? पैसा, कार या ये घर चाहिए? तू बोल क्या चाहिए, बता रे।
मधु चाहिए। ए, ए, भाई की बीवी भाभी है रे। हाँ? तेरे छोटे भाई की बीवी टीवी है। चुप रह शिवमणि। ए, 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 मेरे बारे में तुझे पता नहीं। 5 साल का था कोयता उठाया, 10 साल का था खून किया, 8 साल जेल में रहा, जब 22 साल का हुआ तो इस जिले का दादा बना मैं। ए, बोल रहे। ए, शिवमणि, ऐसी कई कहानियां मैंने अपने पिताजी से सुनी है और वो हिट भी हुई है। मैं एक बात बोलूं ब्रदर, पसंद नहीं आया उस लड़की को छूना नहीं, पसंद आ जाए उस लड़की को छोड़ना नहीं। हिम्मत कहते हैं उसे, वो एक में नहीं हजारों में नहीं, वो मेरी माँ के दूध में है। क्या बोला अभी तूने? 10 साल में खून किया और 8 साल जेल में था, 15 साल में अच्छे कॉलेज में पढ़ा, एक अच्छे काम में लगा, ऐसा बोलता तो उस परिवार में तेरे लिए इज्जत भी बनती। और उसके बाद तू चाहता है कि मधु तुझे अपना पति माने? क्या रे, क्या हुआ? क्या मधु कहाँ है पता चल गया? ठीक है, मैं देख लूंगा। भाई, मैंने तुझे छोटा भाई नहीं माना। मधु को कुछ मत करना भाई। क्या बोला? मैं बिल गेट्स, तू भी कारी है। मैं बड़ा पेड़ हूं, तू छोटा बंबू है। मैं एनाकोंडा, तू अंडा गुंडा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तू बोला था। तू यहां जीने आया है, मैं यहां पैदा हुआ हूं, मार डालूंगा तुझे, जा। वो क्या है कि जा। मधु, 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 अब कैसा लग रहा है तुम्हें? वेट करना कैसा लगता है? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है? ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं। यही खेल है छोड़कर पकड़ने का। फिर वो फोन? वो सिर्फ एक सीन था रे। क्या माधव, कितनी हिम्मत है तुझमें, मेरी ही जगह पर लाकर मधु को रखता है। तेरी तो भाई भाई बोल के मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरी ही पॉकेट में हाथ डालता है। छोड़ो मुझे। उसे एक और बार मारो तो मैं मर जाऊंगी। मार डालूंगा तुझे। मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, 3 साल से तुझे प्यार करता आ रहा हूँ मैं, पर ये कल का आया, अब ये नहीं बचेगा। इसे मुझसे मिलाएगा ये कहकर तू मेरा ही पत्ता काट रहा था। उस दिन झूठ बोला था,
आज मैं तुमसे शादी करूंगी। कसम से? कसम से। दिल से ना? दिल से। ए, क्या बोल रही है, जानती है ना तू? हाँ, कहीं उसको बचाने के लिए तो नहीं बोल रही तू? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं तुमसे शादी करूंगी। ये एक बात सुनने के लिए 3 साल से तड़प रहा हूं मैं। चल चल। ए, वो मरने वाला है, हॉस्पिटल लेकर जाओ उसे। मुझे मारा क्योंकि मेरी गलती थी, लेकिन ये कूली का काम करने वाले ये 2 कौड़ी के लोग मुझे मारेंगे। भाई, जो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती उसे पकड़ लूं और जो मुझसे प्यार करती है उसे छोड़ दूं, ऐसा नहीं हूं मैं। इतने लोगों को मारूंगा ये मुझे पता है, लेकिन तुझे मारकर इस लड़की को उठा के ले जाऊंगा ये मेरा उसूल नहीं है, सुन रहा है तू? तेरे साथ इतने लोग रहते हैं वो तुझे प्यार नहीं करते, उनको मौका मिलते ही वो तुझे मारकर तेरी जगह पर आना चाहते हैं, इसलिए वो भागते नहीं है और तू सोचता है कि वो तुझसे प्यार करते हैं। अभी जो उसने शादी के लिए हाँ किया था ना, वो तेरे प्यार के लिए नहीं, अपने प्यार को बचाने के लिए। अभी बोल के देखना, अभी इसे छोड़कर चला जाऊंगा। ये बात तेरी समझ में क्यों नहीं आ रही है? तेरे सोते टाइम भी तेरे सपने में कोई भी आएगा पर मधु नहीं आएगी। जब ये तेरे सपने में नहीं आएगी तो तेरी जिंदगी में कैसे आएगी भाई? 3 साल ही नहीं, 30 साल भी हो जाए ना तो तुम इसके दिल में जगह नहीं बना सकते, क्योंकि इसके दिल में सिर्फ मैं हूं भाई, मैं। तुमने जो किया वो सिर्फ टॉर्चर है, मैंने जो किया वो प्यार है। अच्छा काम जो करता है उसे हम लोग कभी भी नहीं भूल पाते, लेकिन जो खून खराबा करके मर जाते हैं न्यूज़पेपर में पढ़ के दूसरे दिन भूल जाते हैं उन्हें। तुझे अब भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? अब तो कुछ बोल। अभी मैं एक कॉमन मैन लड़का तुझे मारकर गिरा देगा, तेरी हार के लिए मुझे डर नहीं है। गुस्से में तू हम दोनों को मारकर जेल चला जाएगा, इस बात से डरता हूँ। तू बहुत ताकतवर है ये मुझे पता है, इसीलिए मैं तेरे साथ रहने लगा। ये सोचा था कि तेरे साथ रहकर तुझे बदल दूंगा मैं, लेकिन मैं गलत था। मेरे पास जीवन में जो भी कुछ था वो दूसरों को मिला। अपने लिए जीवन में तुमसे पहली बार कुछ मांग रहा हूं, मेरी मधु मुझे दे दो। इसके बाद भी अगर तू मुझे मारकर इसे पाने की आस करेगा तो अपने आप को कि मैं बड़ा आदमी हूं ये भूलकर माधव जैसे एक छोटे बच्चे को काटने के सिवा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है भाई।
आप मुझे 3 साल से प्यार करते हो, पर मैं तो नहीं करती ना, ना कभी कर सकूंगी। माधव, शादी कर ले, बच्चा पैदा कर ले, खुशी से रह, अपने गांव में खुशहाल रहना, और इस तरफ आने की कोशिश भी मत करना। इस तरफ आया तो तेरा खून कर दूंगा मैं। आप भी मेरे गांव की तरफ मत आना, अपना गांव है, बहुत फ्रेंड्स हैं, लुंगी लेके देंगे क्या? ए, जा जा।